हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? तो चलिए, द मोस्ट अवेटेड सेशन आपका बीटेक का बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड आर्किटेक्चर प्लानिंग का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक बार सब लोग अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कर दो और सब लोगों को बोलो भाई ज्वाइन करो सेशन। ठीक है, एंड फिर सेशन स्टार्ट करेंगे। 8 बजे नहीं सेशन स्टार्ट कर पाए, थोड़ा काम आ गया था बीच में अर्जेंटली, तो इसलिए मैं बोला कि लेना तो है ही है, तो इसलिए 9 बजे चालू किया। चलिए एक बार सब लोग शेयर कर दो, सेशन को शेयर कर दो सब लोग एक बार, शेयर द सेशन। चलिए मैं भी शेयर कर देता हूँ, जो सिखाऊंगा उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर सारे टॉपिक, वैसे सारे टॉपिक पूरी कोशिश करूंगा सिखाने की, जो नहीं सिखा पाए तो उसके मैं इंपॉर्टेंट दे दूंगा कि यही आएगा भाई। ठीक है, और मैं भी ले भी रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ही ले रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं भी इंपॉर्टेंट ही लेने वाला हूँ, एक बार फटाफट शेयर कर दो। ठीक है, पहली पेपर है तो ये सेशन आप एक पूरा करके जाओगे तो 30 में से 20 प्लस तो आ ही जाएंगे आराम से, 20-25 आराम से आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो एक बार सब लोग पहले शेयर करेंगे और फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, चलो चलिए जल्दी कीजिए। हाँ, टेलीग्राम पे अपना ऑल ओके सर। चलिए चलिए, टेलीग्राम पे आपके जो स्कूल का या कॉलेज का जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा वहाँ पे भी शेयर कर लो। ठीक है कि सेशन लाइव हो चुका है। ठीक है, जितने ज़्यादा बच्चे रहेंगे लाइव में उतने ज़्यादा कंटेंट में दूंगा। ठीक है ना, मिनिमम 50 स्टूडेंट तो आने चाहिए कम से कम, कल ही पेपर है तो, है ना। चलिए एक बार चलो सब लोगों को शेयर करो, सब लोगों को बोलो सेशन चालू हो गया, चलो फिर स्टार्ट करेंगे, डू इट फास्ट। चलिए, मिनिमम 50 स्टूडेंट तो दिखना चाहिए भाई, वैसे 100-200 बोला था और 50 तो दिखने चाहिए कम से कम, है ना। चलिए डू इट फास्ट, सेशन स्टार्ट करेंगे। चलो जल्दी 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 भाई, फटाफट सब लोग शेयर करो, सब लोग फटाफट शेयर करो। जो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपका लाइक कर लो वीडियो को। ठीक है भाई, फिर स्टार्ट करेंगे सेशन। और ये जो भी आपके नोट्स में, अभी पूरा नोट्स लिखाऊंगा आपको, बहुत सारे मैंने प्रेजेंटेशन भी बहुत सारे लिख के भी लेके आया हूं मैं, ये सारे के सारे नोट्स आपको सतीश साइंस एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, वो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, उस पर आपको मिल जाएंगे। चलो सब लोग जल्दी शेयर करो, डू इट फास्ट। सब लेके आए हूँ आपके लिए मैं सारा, मतलब अभी बीटेक का बहुत वास्ट सिलेबस किया इन्होंने, क्योंकि पहले दो अलग अलग सब्जेक्ट होते थे, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल अलग सब्जेक्ट था, आर्किटेक्चर APDP बोलते थे हम उसको। ठीक है, आर्किटेक्चर डिजाइनिंग एंड प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग वो अलग था। तो अभी इन्होंने क्या किया, SPPU ने क्या कर दिया, दोनों ही चीज को क्या कर दिया, एक साथ क्लब कर दिया। ठीक है, सिंक्रोनाइज कर दिया, गेटिंग। तो अभी वही प्रॉब्लम है, इसकी वजह से क्या हो गया, कंटेंट बढ़ गया, कंटेंट क्या हो गया तुम्हारा, बढ़ गया। ठीक है, बस भाई इतने ही लोग है क्या? हाँ, बस इतना ही है यार, ये तो आदि कर रहे हो। चलिए फिर, ठीक है, तो अभी यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। एक बार ब्लूप्रिंट पे समझ लेना आप, ठीक है, जैसा आपको पता ही है। ठीक है, जो यूनिट है आपका, पहला जो यूनिट है पूरा आपका ब्रिक पे है। अब जो मैं पहला जो ये आपका जो टॉपिक है ना कि टाइप्स ऑफ सबस्ट्रक्चर क्या होता है, सुपरस्ट्रक्चर क्या होता है, फाउंडेशन क्या होता है, इस पे क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है ना, गेटिंग। वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि सबस्ट्रक्चर क्या है, सुपरस्ट्रक्चर क्या है, फाउंडेशन क्या है, उस पे क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है भाई, जो आ रहा है मैं उस पर डिस्कशन करूंगा, जो क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम्स में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं उस पर डिस्कशन करने वाला हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करूंगा। ठीक है, सिर्फ आप लोग लास्ट तक रहना और पूरा करके जाना। ठीक है, गेटिंग, एक बार सब लोग शेयर कर दो। ठीक है, अभी सेशन स्टार्ट करता हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, गेटिंग, क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएगा रात को। ओके, चलो, तो अभी देखो पहला जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ रहा है, पहला क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा फेमस में एग्जाम में आ रहे थे, प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ बॉन्ड क्ले ब्रिक। ठीक है, तो ब्रिक का तो सबको ही पता है कि यार ब्रिक का साइज क्या होता है, ये सब चीजें नहीं आती अभी। 19x9x9 का साइज होता है, अगर आप सेंटीमीटर में बात करें एज पर इंडियन, और US का आपको पता ही है। ठीक है, तो US का अलग स्टैंडर्ड रहेगा, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, एक बार सब लोग शेयर कर दो। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक बार ब्लूप्रिंट बता देता हूं। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसमें से आ रहे हैं, ठीक है, एक बार ब्लूप्रिंट समझ लो, एक बार ब्लूप्रिंट समझ लो मेरे से कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 1 में एक बार सब लोग शेयर कर लो जल्दी जल्दी, ब्लूप्रिंट लिखा रहा हूं मैं, पेन नोटबुक के साथ बैठो। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 का ब्लूप्रिंट एक बार समझ लो, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 का ब्लूप्रिंट कैसे करना है आपको ये समझो पहले। ठीक है ना, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा दी गई है आपके बुक्स में, बहुत भर भर के दिया है, मतलब ऐसा लगा कि सिर्फ फ्लडिंग की है कंटेंट की। ठीक है ना, तो भर के बहुत ही ज्यादा दिया है। ठीक है, गेटिंग, चलो एक बार सब लोग शेयर कर दो, फटाफट ब्लूप्रिंट लिखो, क्योंकि कैसे रहता है, बहुत सारे लोग क्या रहते हैं लास्ट तक रहते नहीं, बहुत सारे लोगों ऐसा रहना चाहिए क्योंकि यही आपका कल ही एग्जाम है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही आज का। ठीक है,
तो एक बार सब लोग शेयर कर दो, और बहुत सारे लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, भाई वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी हर दिन चलेगा ये सेशन, क्योंकि वन डे बिफोर तो हम लेते ही हैं, वो तो फिक्स है, ठीक है। अभी लास्ट टाइम में भी ले रहे थे, पर आप लोगों का उतना रिस्पॉन्स मुझे दिखा नहीं, बट फिर भी हमने हर दिन लिया, ऐसा कुछ नहीं कि हमने लिया नहीं। चलिए चलिए जल्दी कीजिए, मिनिमम 50 स्टूडेंट तो आने चाहिए यार, मिनिमम। चलो जल्दी करो, सब लोग शेयर करो। यूनिट नंबर वन, यूनिट नंबर वन में देखो सबसे ज्यादा आपको ना ब्रिक एंड स्टोन पे दिखेंगे क्वेश्चन, ब्रिक एंड स्टोन, ठीक है। जैसे देखो अभी आपको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिक, कंपोजिशन ऑफ ब्रिक बताइए, ठीक है। उस पर उसके बाद आपको बॉन्ड पे क्वेश्चन आ रहा है, तुम्हें बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड और इंग्लिश बॉन्ड का डिस्टिंग्विश हर बार आता है, ठीक है। तो ये एक ब्रिक एंड स्टोन का हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। दूसरा आपका क्या है, स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग फ्रेमवर्क और अंडरपिनिंग, ठीक है। ये तीनों पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा इसको। स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग आ रहा है तुम्हारा, फिर आपका आ रहा है फ्रेमवर्क, होमवर्क, सॉरी होमवर्क आ रहा है, और उसके बाद आ रहा है अंडरपिनिंग, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बन रहा है, गेटिंग, हाँ इस पे क्वेश्चन बन रहा है, इस पे क्वेश्चन आ रहा है, तो ये आपको अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद आपको बिल्डिंग का एक क्वेश्चन आता है कि यार नीड ऑफ ऑटोमेशन, ऑटोमेशन की क्या नीड है। सो देखो ऑटोमेशन की नीड वाला जो क्वेश्चन है ना यार, ये तो तुम लोग ना बिना पढ़े भी लिख सकते हो कि क्यों ऑटोमेशन की नीड है आपके कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, ठीक है। पुराने मेथड से करते रहेंगे तो जिंदगी लग जाएगा। अब यहाँ पे जो आपकी NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अब वो लोग एक ही दिन में कम से कम 3-4 किलोमीटर रोड बना पा रहे हैं, तो ये ऑटोमेशन की वजह से ही तो हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पे ये मेजरली आपका क्या होगा, तुम्हारा फोकस पॉइंट होगा, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। यूनिट नंबर टू में मेन फोकस सबसे पहले हम करेंगे FSI के न्यूमेरिकल के। FSI का जो न्यूमेरिकल है, आपने अगर पेपर एनालिसिस की तो FSI का न्यूमेरिकल एक फिक्स आ रहा है 5 मार्क के लिए, और में भी मतलब आपको पता लगेगा क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू। देखो क्वेश्चन वन और टू किससे आएंगे तुम्हारे, क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू किसके आएंगे, यूनिट नंबर वन से रहेंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन थ्री और क्वेश्चन फोर किससे रहेंगे तुम्हारे, यूनिट नंबर फोर से रहेंगे। क्वेश्चन थ्री और क्वेश्चन फोर किससे रहेंगे, यूनिट नंबर क्या रहेंगे तुम्हारे, यूनिट नंबर टू से रहेंगे। क्वेश्चन थ्री और क्वेश्चन फोर में दोनों में एक 5 मार्क FSI का न्यूमेरिकल आ रहा है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। वो FSI का न्यूमेरिकल बहुत इजी है, वो न्यूमेरिकल यहाँ पे आपको 5 मार्क आराम से दिला देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक FSI का न्यूमेरिकल आ रहा है। उसके बाद बिल्डिंग बायलॉज के क्या आ रहे, तुम्हारे जो बिल्डिंग बायलॉज के जो बेसिक रूल्स है ना वो आ रहे, एस्पेक्ट क्या है, प्रोस्पेक्ट क्या है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ रहा है, रूमिनेस क्या है, सर्कुलेशन क्या है, ग्रुपिंग क्या है, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो उसके बायलॉज के बाद उसमें क्या हो रहा है, बायलॉज पे फिर क्या आ रही है, थ्योरी आ रही है, और इस पे क्या आ रहा है, FSI पे क्या आ रहा है, तुम्हारा न्यूमेरिकल आ रहा है। तो ये आपका सर मैथ सेक्शन डिफिकल्ट था आज का, मैथ सेक्शन डिफिकल्ट था आज का, अच्छा ठीक है ठीक है। चलिए 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 एक बार सब लोग शेयर कर दो, ठीक है, देखते हैं मैथ सेक्शन में देख लेंगे आपका। चलो एक बार सब लोग शेयर कर लो, 39 हो गए भाई, 50 मिनिमम 50 तो चाहिए, मिनिमम 50 स्टूडेंट तो होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको अपने ब्लूप्रिंट समझ में आया सबको, एक बार सब लोग चैट में लिखो जल्दी, सबको ये ब्लूप्रिंट समझ में आया। और जो लोग अभी तक आए हैं भाई वीडियो को लाइक कर लो यार, 39 बच्चे हैं, पर वीडियो में लाइक अभी तक आप देखिए बहुत ही कम हो गए, ठीक है। गेटिंग, चलो सब लोग लाइक कर लो वीडियो को एक बार, और बताइए ये ब्लूप्रिंट समझ में आ गया सबको, ये ब्लूप्रिंट रहेगा, सिखाया अभी तक कुछ नहीं मैंने, 35 लाइक से इतने लोग हैं, उतने लाइक भी तो होने चाहिए, है ना। चलिए जल्दी करो, ब्लूप्रिंट सबको समझ में आ गया, क्या ब्लूप्रिंट है, हाँ यस 50 50 41 हो गए। सर ऑटोमेशन पर क्वेश्चन दो, ऑटोमेशन का बहुत सिंपल है यार, क्या ही है सर ऑटोमेशन में, बता दूंगा मैं ऐसे ओरली बता दूंगा ऑटोमेशन में क्या ही है, ठीक है। डोंट वरी, पूरा ब्लूप्रिंट बना के आया हूं मैं आपका, ठीक है ना। क्योंकि क्या है ना, अभी SPPU 2019 पैटर्न से बहुत सारी चीजों को मतलब चीजों को सिर्फ क्या कर रही है, मिक्स करके दे रहा है बहुत कुछ, ठीक है ना। गेटिंग, चलिए ओके। ऑल बॉन्ड लेके कुछ फायदा नहीं, ऑल बॉन्ड लेके कुछ फायदा नहीं, आपको फ्लेमिश और इंग्लिश बॉन्ड अच्छे से आना चाहिए, फ्लेमिश और इंग्लिश बॉन्ड अच्छे से आना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए तो सब लोग पेन नोटबुक के साथ हैं, एक बार चलो बोलो चैट में सब लोग लिखो, यस शुड बी स्टार्ट, सब लोग पेन नोटबुक के साथ हैं, सब लोगों ने ये पूरा लिख लिया, ठीक है। ये ब्लू प्रिंट है, सब लोगों ने ब्लू प्रिंट लिख दिया भाई, एक बार बता दो फटाफट बता दो, सब लोगों ने ब्लू प्रिंट लिख दिया, जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो ब्लू प्रिंट एक बार लिख लो, ठीक है ना। क्योंकि आप जब भी पढ़ोगे, ठीक है, रात को या जब भी रिवाइज करोगे, तो आपको इस ब्लू प्रिंट के हिसाब से रिवाइज करना पड़ेगा, तो आपको इजी आएगा, नहीं तो फिर बाद में आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ने क्या बोला था, किसका वेटेज कितना है, वो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए कीजिए सब लोग एक बार चैट में रिप्लाई करो मुझे फटाफट, चलो हाँ यस। चलिए मैसनरी, मैसनरी इसी में कर दूंगा मैं, बोला ना मैंने ब्रिक एंड स्टोन, उसमें ब्रिक मैसनरी स्टोन मैसनरी दोनों साथ में करवा दूंगा मैं,
ठीक है, डोंट वरी, चलिए ओके लेट्स स्टार्ट नाउ। सब लोग यस यस बोल रहे हैं, स्टार्ट करते हैं फटाफट फटाफट, अभी भी 38 लोग ही हैं पर क्या ही कर सकते हैं अभी, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन हम क्या ले रहे हैं, मैं क्वेश्चन वाइज यहाँ पे मैं आपके लिए बनाया हूँ, मैं आराम से ही बताऊंगा, टेंशन मत लेना, स्पीड कम ज्यादा आप मुझे बता देना चैट में। पहला क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आ रहा है, वो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ रहा है, प्रॉपर्टीज, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ वन क्लेब्रिक। ठीक है, तो हम पहले प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और फिर कंपोजिशन, दोनों अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज बोल सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकता है, या फीचर्स बोल सकता है, किसी भी नाम से बोल सकता है, बात एक ही होती है। ठीक है ना, तो ये मत सोचेंगे सर कुछ नया हो गया, कुछ नया नहीं होगा। ठीक है ना, रेडी, चलिए। तो अब देखो पहले यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो है वन क्लेब्रिक का यहाँ पे हम बात करेंगे। अब ये नोट्स का टेंशन लेना नहीं है आपको, अगर आप लिख नहीं पा रहे हो कोई बड़ी बात नहीं है, नोट्स आपको पूरा टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा सतीश साइंस अकेडमी के, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लो। पर अभी आप सिर्फ ध्यान रखो मैं क्या बता रहा हूँ, किस हिसाब से समझा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा पॉइंट सिखाऊंगा, ज्यादा पॉइंट समझाऊंगा। क्यों ज्यादा पॉइंट समझाऊंगा पता है क्या, क्योंकि आप चार पॉइंट याद करके जाओगे तो एग्जाम तक दो पॉइंट याद होते हैं, दो पॉइंट तक याद रहते हैं। ठीक है ना, उस हिसाब से। ठीक है, हाँ स्टार्ट करेंगे सेशन को। यस, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, गुड क्वालिटी ब्रिक के पास ये सारे प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है, कलर, पहली प्रॉपर्टी क्या है उसका कलर। तो अगर आपने देखा है ब्रिक, देखो यहाँ पे डायग्राम में भी दिख रहा है, ब्रिक कौन सा कलर का दिख रहा है, रेडिश कलर दिख रहा है ना, देखो ये डायग्राम है कैसे दिख रहा है ब्रिक का कलर, हाँ ये है ना ब्रिक दिख रहा है ना, कौन सा कलर दिख रहा है आपको, रेडिश कलर दिख रहा है। ठीक है ना, उसके बाद ब्रिक का शेप बताओ, शेप बताओ ब्रिक का कैसे है, यहाँ पे शेप बताओ ब्रिक का कैसे है, रेक्टेंगुलर शेप क्या होना चाहिए ब्रिक का, हमेशा अच्छे से रेक्टेंगुलर शेप होना चाहिए ब्रिक का। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप ऑफ द ब्रिक इज बहुत इफिशियंट है। उसके बाद फिनिशिंग क्या है इसकी, फिनिशिंग जो ब्रिक की फिनिशिंग देखो यहाँ पे, फिनिशिंग और ब्रिक क्या होनी चाहिए, एकदम आपकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। टेक्सचर क्या होना चाहिए, जो कलर है ना टेक्सचर है ना यूनिफॉर्म दिखना चाहिए। अगर कलर और टेक्सचर का यूनिफॉर्म नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या है भाई साहब, जब तुम भट्टी में कील जो हम बोलते हैं भट्टी में जब ब्रिक बना रहे थे ना, तब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, आपका ब्रिक उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है, ये समझ लो आप। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, हाँ चलो चलो जल्दी शेयर करो यार। चलिए तो अब देखिए पहले प्रॉपर्टी क्या है, कलर। तो कलर क्या होना चाहिए, जैसे मैंने बताया कलर होना चाहिए तुम्हारा रेडिश होना चाहिए। ठीक है, और ये जो आपने पता ही है क्लास की, तीन क्लास की ब्रिक होती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इसके बारे में नहीं पूछेगा। बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ, बेस्ड ऑन द टेक्सचर, बेस्ड ऑन द कलर, तीन टाइप के ब्रिक होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास ब्रिक होते हैं, सेकंड क्लास ब्रिक होते हैं, थर्ड क्लास ब्रिक होते हैं, बट हमें उस पर नहीं जाना, उस पर क्वेश्चन आ नहीं रहा। ठीक है, तो अब हमारा जो कलर है वो क्या होता है, रेडिश टाइप का कलर होता है आइडियली फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए। उसके बाद यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी और ब्राइटनेस आपका कलर दिखेगा, ये आपका क्या होगा, प्रॉपरली मेंटेन होगा कलर, हर जगह आपको यूनिफॉर्म दिखेगा और ब्राइट दिखेगा, जैसे मैंने आपको ब्रिक दिखाया। उसके बाद अगर वी मस्ट अवॉइड ए डार्क ब्लू एंड लाइट येलो कलर ऑफ द ब्रिक एज दिस इंडिकेट ओवर बर्निंग एंड अंडर बर्निंग। तो मतलब अगर आपका जो कलर है, अगर ब्लू कलर आ रहा है, डार्क ब्लू कलर आ रहा है, इसका मतलब आपने वो ज्यादा बर्न करवा दिया, ज्यादा उसको जला दिया भट्टी में। और अगर उसको येलो कलर आ रहा है, इसका मतलब उसको क्या आपने क्या किया, कम जलाया है भट्टी में। तो ये दोनों ही कंडीशन हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ब्रिक जितना अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, उतना आपका कंस्ट्रक्शन अच्छा चलेगा। ठीक है, तो ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है, साइज। तो साइज क्या है, तो अगर हम देखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड जो ब्रिक होते हैं, देखो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो साइज है ब्रिक का वो होना चाहिए एमएम में बोलूंगे तो 190 mm by 90 mm by 90 mm, या सेंटीमीटर बोलेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा 19 cm × 9 cm × क्या पढ़ा होगा, 9 cm। ठीक है ना, तो एक्चुअली ब्रिक का साइज ऐसा होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक एज पर द बोलेंगे तुम्हारा यूएस स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करें, तो साइज ऑफ ब्रिक कितना होता है, 200 × 100 mm, या बोलेंगे हम 20 cm × 10 cm × क्या होगा तुम्हारा, 10 cm। ठीक है, तो ये होना चाहिए एज पर द साइज। ठीक है, मेनली आपका जो स्टैंडर्ड साइज, इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक फॉर द कंस्ट्रक्शन। तो एक साइज फिक्स होना चाहिए। ठीक है ना, अगर साइज ऑफ द ब्रिक फिक्स नहीं होगा तो बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रेसिंग करना पड़ेगा। ड्रेसिंग समझती हो, जैसे पत्थर लिया ना आपने, पत्थर को हम क्या करते हैं, पहले छीलते हैं ना हथौड़े से, अच्छे से उसको अच्छे से बनाते हैं और फिर लगाते हैं, तो वो काम आपका बढ़ जाता है ना। ठीक है ना, तो ड्रेसिंग का काम क्या होना चाहिए, थोड़ा रिड्यूस होना चाहिए, इसके लिए हम ये चीज करेंगे। ठीक है, गेटिंग, हाँ हाँ, तो ये स्लाइड सबको क्लियर है भाई, मैंने क्या बताया स्लाइड के बारे में। ठीक है, तो ये स्लाइड सबको क्लियर हो गई है ना, किसी को डाउट ही नहीं स्लाइड में, ये मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि जब आपके पास नोट्स आएंगे ना तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो तो ये स्लाइड सबको क्लियर हो गई, मैं आपको आराम से ही लूंगा, ज्यादा स्पीड में लूंगा तो आपको समझेगा नहीं, अगर आपको स्पीड बोल ज्यादा स्पीड से लेना है वो बता दो, फटाफट में कंप्लीट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए दो प्रॉपर्टी हो गई, अब तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, शेप। तो शेप क्या है तुम्हारा, देखो शेप के बारे में देखिए, हाँ यस, हाँ आप देखिए आपका रिस्पांस कैसे, सर सही बोल रहे, आपका रिस्पांस कैसे रहता है ना, देखो बहुत मेहनत लगती है इतना कंटेंट बनाने में,
डिलीवर करने में बहुत मेहनत लगती है, पर हम मेहनत करते हैं। अगर वो मेहनत का अगर आप उस हिसाब से रेजोनेंस में बात करते हो, मतलब जितने हम मेहनत कर रहे हैं उतना अगर आप अप्रिशिएट भी करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो वही है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम तो फ्री में ही दे रहे हैं सब कुछ, ठीक है ना। बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं सर पेड कोर्स मतलब सब फ्री में मिल रहा है ना, गेटिंग। बहुत सारे लोग पेड में भी दे रहे हैं, पर हम वही कंटेंट जो पेड में रहता है उसी को फ्री में करके दे रहे हैं भाई, ठीक है, गेटिंग। चलिए तो उसके बाद देखो शेप ऑफ द ब्रिक के बारे में बात करेंगे। शेप क्या होगा, जो आइडिया शेप होना चाहिए ब्रिक का, मैंने क्या बोला था, रेक्टेंगुलर शेप होना चाहिए ब्रिक का, और इसके पास क्या होगा, शार्प और वेल डिफाइंड एजेस। शार्प एजेस क्यों होना चाहिए, क्योंकि बॉन्डिंग के लिए शार्प एजेस लगते हैं। अगर इसका एज शार्प रहेगा ना तो ये दूसरे ब्रिक के साथ अच्छे से बॉन्ड बना देगा, ठीक है ना, और अगर एजेस शार्प नहीं होंगे तो बॉन्ड अच्छे से नहीं बनता है, ठीक है ना। तो इसलिए एजेस शार्प होना चाहिए और वेल डेवलप रहना चाहिए। उसके बाद ये जो ब्रिक का सरफेस होना चाहिए वो इवन होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए, ठीक है ना। सरफेस स्मूथ दिखना चाहिए और रेगुलर दिखना चाहिए, है ना। ऐसे ऐसा ऐसा ब्रिक नहीं होना चाहिए, ऐसा ऐसा कोई ब्रिक ऐसा ऐसा आपके पास आ गया, नहीं, ऐसा ब्रिक नहीं चलेगा, ठीक है ना, ऐसा ब्रिक नहीं चलेगा। तो शेप के बारे में आपको समझ में आ गया, शेप आपसे ब्रिक को विजुलाइज करना, रेक्टेंगुलर होता है बस, ठीक है, और यूनिफॉर्म टेक्सचर। उसके बाद बात करेंगे डेंसिटी के बारे में। तो अगर ब्रिक का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी का, तो ब्रिक की जो डेंसिटी है, डेंसिटी आपने हर जगह पढ़ी होगी, मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी बताया होगा कि डेंसिटी क्या होती है, मटेरियल प्रॉपर्टी होती है। डेंसिटी क्या होती है, आपकी मटेरियल प्रॉपर्टी है होती है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो जो स्टैंडर्ड डेंसिटी है ब्रिक की वो होनी चाहिए 1600 से लेकर आपका 1900 केजी पर मीटर क्यूब होना चाहिए, ठीक है, 1600 से 1900 तक होना चाहिए। और जो डेंसिटी और वेट, वेट बोल सकते हैं, डेंसिटी और वेट पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो किस पे डिपेंड करता है, मैंने बोला टाइप ऑफ मटेरियल पे जो आप यूज कर रहे हैं, और दूसरा डिपेंड करता है उसका मोल्डिंग मेथड, किस मेथड से आपको पता है ना जो ब्रिक बनता है वो किससे बनता है, मेनली हम सैंड यूज करते हैं, उसको मोल्ड करते हैं और एक डेफिनेट शेप में लेके आते हैं। तो मोल्ड कैसे कर रहे हो आप और मोल्डिंग प्रोसेस आपका कितना अच्छा है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है भाई। तो ये चीजें सारी यहाँ पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो आपको शेप और ये समझ में आ गया ना भाई, तो सबको शेप एंड ये सब सब कुछ समझ में आ गया है ना, हाँ, तो सबको शेप सब समझ में आया, हाँ, शेप समझ में आ गया, डेंसिटी समझ में आ गया, ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये शेप डेंसिटी का प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, तुम्हारा क्लियर करवा दिया, ओके। चलो अदर प्रॉपर्टीज पे चलते हैं ब्रिक का फिर भाई। चलो अदर प्रॉपर्टी क्या है, हार्डनेस। अभी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है ब्रिक की, हार्ड। मेनली ब्रिक हार्ड ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप उसको कंस्ट्रक्शन में यूज करो तो ब्रिक क्या होना चाहिए, तुम्हारा हार्ड ही रहना चाहिए। अब एक सिंपल और इजी वे क्या है तुम्हारा हार्डनेस ऑफ ब्रिक चेक करने का, हम बोलते हैं उसको नेल मेथड, दैट इज नेल स्क्रैचिंग टेस्ट। ये नेल स्क्रैचिंग टेस्ट में क्या करते हैं, हम ब्रिक लेते हैं उस पर क्या करते हैं, नाखून से स्क्रैच करते हैं। अगर स्क्रैच आ गया मतलब वो अच्छा ब्रिक नहीं है, वो हार्ड ब्रिक नहीं है। अगर उसको नेल से स्क्रैच नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ब्रिक बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यही आपका क्या रहता है, सिंपल मेथड रहता है। साइट पे भी हम चेक कर सकते हैं कि ब्रिक जो है वो हार्डनेस अच्छा है या नहीं है, अच्छा मटेरियल यूज हुआ है या नहीं हुआ है, वो हम चेक कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे ये करते हैं, फिंगर नेल यूज किया जाता है स्क्रैच करने के लिए ब्रिक सरफेस पे। और अगर नो स्क्रैच इंप्रेशन अगर दिखता है, अगर आप नेल से अगर स्क्रैच कुछ दिख नहीं रहा, इसका मतलब ब्रिक क्या है तुम्हारा, ये आपका एक हार्ड ब्रिक है भाई साहब, और अच्छा है ये हार्ड ब्रिक है, इसका मतलब क्या, ये अच्छा है, समझे मेरी बात को, ठीक है। चलिए ना उसके बाद नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, साउंडनेस है। साउंडनेस मतलब क्या होता है, देखो अगर तुम दो ब्रिकों का टकराओगे ना, ऐसा एक ब्रिक लिया दूसरा ब्रिक, एक रिंगिंग साउंड आता है, एक साउंड आता है रिंगिंग, रिंगिंग समझो ऐसा रिकरिंग साउंड आता है, दो ब्रिक लो टकराओ एक रिंगिंग साउंड सुनाई देगा, वो रिंगिंग साउंड सुनाई देना चाहिए, इसका मतलब क्वालिटी ऑफ ब्रिक अच्छी है। और अगर रिंगिंग साउंड नहीं सुनाई दे रहा है, इसका मतलब क्वालिटी ऑफ ब्रिक बहुत खराब है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा साइड में भी टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि फ्रॉम द साउंडनेस टेस्ट यू कैन जज कि ब्रिक की क्वालिटी कैसी है। जब दो ब्रिक या रब्ड करेंगे, रब से ऐसा मैं बोलूंगा उसको स्ट्राइक करो, उससे क्या होगा तुम्हारा, क्या साउंड प्रोड्यूस होगा तुम्हारा, एक मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होगा। बहुत सारे लोग इसको मेटेलिक बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। अगर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है भाई साहब, ब्रिक बहुत खराब है तुम्हारा, चेंज कर लो बाद में, नहीं तो स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने इसके बारे में बात कर दी आपके साथ, है ना। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ओके। चलिए कुछ भी डाउट रहता है आप चैट में पूछ सकते हो, ठीक है ना, इसलिए लाइव सेशन ले रहे हैं, नहीं तो रिकॉर्ड करके दे देता मैं, हाँ। चलो अब देखिए नेक्स्ट, अभी हम यहाँ पे लेंगे नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। अब कितना स्ट्रेस ये झेल सकता है, कॉम्प्रेशन फोर्स आपको पता है सर, ब्रिक पे ऐसे ऊपर से ऐसे सुपरस्ट्रक्चर का ही लोड आएगा, है कि नहीं, हाँ। इसके ऊपर जो भी आपका लेयर रहेगा उसका ही लोड आएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि जो ब्रिक है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, मेनली जो ब्रिक की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कि मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए वो 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। और जो स्ट्रेंथ है ब्रिक की वो किस पे डिपेंड करती है, आपका ब्रिक किससे बना है, कंपोजिशन ऑफ ब्रिक क्या है, ठीक है। उस पर सर न्यूमेरिकल का भी प्रैक्टिस करवाओ, करवाएंगे सर, जरूर करवाएंगे, न्यूमेरिकल तो लेना ही है, फिक्स लेना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में किसी के मार्क्स आता नहीं है, पांच मार्क है, पांच का पांच मार्क्स आपको मिल जाएगा,
दो ही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, एफएसआई निकालना पूछ रहा है, ग्राउंड कवरेज पूछ रहा है, बिल्ट अप एरिया, कारपेट एरिया पूछ रहा है, ठीक है ना, हो जाएगा वो, टेंशन मत लो आप, है ना, गेटिंग, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। चलिए तो कंपोजिशन ब्रिक का तो बता दिया मैंने, ठीक है, तो बर्निंग प्रोसेस और मटेरियल पे बहुत कुछ डिपेंड करता है आपका, ठीक है, आपकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी, और इसलिए स्ट्रेंथ वेरी करती है कितने से 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर इधर तक 200 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा, ठीक है, इंडिया में। तो डिपेंड करता है आप कौन सा ब्रिक किस क्वालिटी का यूज कर रहे हो, ऑब्वियसली क्लास वन ब्रिक की क्वालिटी अच्छी होगी, स्ट्रेंथ अच्छी होगी, और क्लास थर्ड क्लास जो ब्रिक बोलते हैं उसकी क्वालिटी बहुत खराब होगी। आपके आजकल जो भी तुम साइड में ब्रिक देते हो थर्ड क्लास ब्रिक ही होता है, ठीक है ना, क्लास वन ब्रिक बहुत कॉस्टली होता है, तो हर कोई क्लास वन ब्रिक खरीदता नहीं है। क्लास वन ब्रिक लोग कहाँ पर यूज करते हैं, जहाँ पर आपको मतलब क्या है, बहुत एस्थेटिक वर्क करना है, अच्छा दिखना चाहिए। आपने देखा होगा ना बहुत जो लोग मंदिर बनाते हैं ना, तो मंदिर ना बिना प्लास्टर के भी वो ब्रिक बहुत चमकते हैं, वो क्लास वन ब्रिक होते हो, ठीक है। और जो आप यूज करते हो ना, हाँ ओके ओके चलेगा, बता देंगे कोई इश्यू नहीं, बत लीजिए आप, ठीक है। और रेसिडेंशियल पर्पस आप देखेंगे कि जो मिनिमम फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ है ब्रिक का वो कितना होना चाहिए, 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, और फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो स्ट्रेंथ है ये वेरी करती है किधर से किधर तक, 50 से लेकर तुम्हारा 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक क्या करता है, तुम्हारा वेरी करता है भाई, ठीक है। तो ये बात हो गई तुम्हारी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में, इतना हमने बात कर लिया, ठीक है। हाँ तो ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में आपको यहाँ पर कितना क्या होना चाहिए तुम्हारा पता होना चाहिए था, ठीक है, तो इतना अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अब आगे देखिए थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, टेम्परेचर के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जो आपका ब्रिक होना चाहिए वो कंडक्ट नहीं करना चाहिए, क्यों कंडक्ट नहीं करना चाहिए भाई, देखो अगर मान लो कि बिल्डिंग में आग लग गई और आपका ब्रिक भी क्या है थर्मल प्रॉपर्टी दिखाता है, मतलब वो भी कंडक्ट करता है, तो क्या होगा, थर्मल प्रॉपर्टी का मतलब अगर आग लग रही तो क्या करेगा, आग को सपोर्ट करेगा, तो क्या होगा, जल्दी बिल्डिंग जल्दी आपका क्या होगा, बिल्डिंग जल जाएगा, इसलिए जो ब्रिक है वो थर्मल प्रॉपर्टी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या है, अगर मान लो ठंडी का मौसम, क्या है तुम्हारा ठंडी का मौसम है, और अगर ब्रिक आपका कंडक्ट करता है तो क्या होगा, तुम्हारा बाहर से ठंडी अंदर आ सकती है और जो वार्म एयर है अंदर की वो बाहर जा सकती है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि थर्मल प्रॉपर्टीज नहीं होनी चाहिए ब्रिक की, ठीक है ना, गेटिंग, थर्मल प्रॉपर्टी ब्रिक की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो थर्मल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि कंडक्टिविटी होती है ब्रिक की, और ये नेसेसरी होता है ब्रिक को टू हैव अ लो थर्मल कंडक्टिविटी, क्यों, ये कैरेक्टरिस्टिक से क्या कर सकते हैं आप, ये आपको हाउस को क्या करेगा, तुम्हारा वार्म रखने की कोशिश होगी विंटर में और कूल इन केस ऑफ योर समर, ठीक है। आप एग्जांपल लीजिए यूरोपियन कंट्री का लाइक इंग्लैंड, ठीक है, कनाडा, इधर तो ठंडी के मौसम पूरी बर्फ ही भर जाती है भाई, अगर ऐसा ब्रिक है जो कंडक्ट कर रहा है तो बाहर की जो आपका जो कूल एयर है वो अंदर लेके आ जाएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठंडी के मर जाओगे आप लोग, वहाँ पे लोग क्या पूरा गीजर लगा के बैठते हैं, है ना, इतनी ठंडी हो जाती है, ठीक ना। अब और फायर के केस में भी, इन केस ऑफ द फायर द टेम्परेचर कैन बी कंट्रोल अप टू सम एक्सटेंट, अगर कुछ एक्सटेंट तक आप टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, तुम्हारा कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जब अगर ज्यादा अगर आग ज्यादा लग गई तो टेम्परेचर कंट्रोल करना ईजी होगा, अगर ब्रिक आग नहीं पकड़ रहे, अगर ब्रिक ने भी आग पकड़ लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन, अब ये टेस्ट में हम क्या करते हैं एक ब्रिक को लेते हैं 24 घंटे उसको पानी में रखते हैं, ठीक है, और इनिशियली मान लो कि वेट ऑफ ब्रिक क्या है तुम्हारा W1, इनिशियल वेट ऑफ ब्रिक मान लो 10 केजी था, फॉर एग्जांपल ले लो, हाँ 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का वेट था उसका, ठीक है ना। अब आपने पानी से बाहर निकाला, मान लो जो वेट है ब्रिक का अब वो बन गया 15 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, जो 5 केजी बढ़ा ना, 10 से 15 मतलब कितना बढ़ा, 5 केजी बढ़ा, 5 केजी कैसे बढ़ा होगा भाई साहब, उसने क्या किया 5 केजी उतना अमाउंट में वाटर क्या कर लिया एब्जॉर्ब, तो ब्रिक को ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, अगर ब्रिक ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और वो क्या करेगा, स्ट्रक्चर को वीक करेगा, तो इसलिए वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट से यही देखा जाता है कि ब्रिक आपका वाटर कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है तो ब्रिक फॉल्टी है, खराब ब्रिक है वो, ठीक है ना। तो ये चीज हम सब करते हैं, तो इसमें हम यही बोलेंगे कि देखो यहाँ पे क्या होता है कि यूजिंग दिस टेस्ट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रिक का, सच एस आप देखेंगे कि वेदर रेजिस्टेंस है कि नहीं, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी है कि नहीं, उसका कितना टाइम तक चलेगा, क्वालिटी है कि नहीं, इस हिसाब से। तो वाटर एब्जॉर्प्शन ब्रिक कैसे निकालते हैं हम, W2 - W1 / W1, ये तुम्हारा क्या है W2 क्या है आपका एब्जॉर्प्शन के बाद कितना वेट था, वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद W1 क्या है तुम्हारा, वाटर एब्जॉर्प्शन से पहले कितना वेट था, ये सब आएगा। तो वो सारी चीज यहाँ पे हम क्या करते हैं तुम्हारा चेक करते हैं भाई, ठीक है। तो ये सारी चीज यहाँ पे से क्या होती है तुम्हारी चेक होती है, ठीक है भाई, क्लियरिटी आ रही है सबको, हाँ। तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्या की जाती है तुम्हारी चेक की जाती है, ठीक है, हाँ। चलिए तो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के बारे में भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं।
आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं है, ठीक है, और चिल मार के पढ़ो, ज्यादा टेंशन लेना भी नहीं है, ठीक है। हाँ, जब तक हम है तो क्या गम है भाई। उसके बाद फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए जो वाटर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू है ये 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए भाई साहब? 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 20% से ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना, यानी 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसके वेट के। हाँ, नाउ फ्रोस्ट रेजिस्टेंस, फ्रोस्ट का मतलब आपका क्लाइमेट के साथ कैसे रेजिस्टेंस है। व्हेन वाटर टर्न इनटू द आइस 9% इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम अकर एंड दिस एक्सपांशन इन द मेन कल्प्रिट फॉर द फ्रोस्ट रिफ्लेक्शन इन ब्रिक। तो क्या होता है ना, आप अभी इतनी ज्यादा आपको केमिस्ट्री में लेके नहीं जाऊंगा, पर आपने ये सुना होगा कि आइस फ्लोट ऑन द वाटर, जो आइस होती है वाटर में फ्लोट करती है। क्यों फ्लोट करती है? डेंसिटी ऑफ आइस क्या होती है? वाटर से कम होती है। क्यों? क्योंकि आइस में जो होता है ना मास बहुत कम रहता है, इसलिए क्या होता है वहां पर एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन दिखता है। तो जब भी कोई भी वाटर आइस में कन्वर्ट होता है या आइस किस में कन्वर्ट होती है? वाटर में, तो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन दिखता है। तो अगर ब्रिक में एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या डेवलप करेगा? क्रैक। क्या करेगा? तुम्हारा क्रैक डेवलप होगा। और अगर ब्रिक में क्रैक एक बार डेवलप हो गया तो ब्रिक खराब हो गया तुम्हारा। और ये जो वर्ड यूज करना कि आपका ये फ्रोस्ट डिफ्लेक्ट मतलब अगर आपकी ब्रिक कभी कभार क्या होता है तुम्हारा वार्पिंग एक्शन हो जाता है। आपने सुना होगा वार्पिंग स्ट्रेस आपने ये बहुत ज्यादा अभी हाईवे में सुनोगे आप, ठीक है, पर यहाँ पे भी वार्पिंग स्ट्रेस आ जाएगा। अभी ये आपका ब्रिक सीधा था ना, वार्पिंग स्ट्रेस की वजह से ये ब्रिक ऐसा दिखने लगेगा आपको, ऐसा ये ऐसा डिफॉर्म हो जाएगा ब्रिक आपका, ऐसा डिफॉर्म हो जाएगा स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसी ये ब्रिक क्या करेगा भाई साहब, ये वार्पिंग स्ट्रेस का ब्रिक क्या हो जाएगा, ऐसे फेल हो जाएगा। अगर आपका एक ब्रिक फेल हो गया ना, पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, मशीनरी फेल हो गई फिर तो, समझे मेरी बात को? क्योंकि हर एक ब्रिक क्या होगा तुम्हारा मशीनरी को सपोर्ट कर रहा है, गेटिंग? तो ये वार्पिंग स्ट्रेस क्या हो सकते हैं वहां पे तुम्हारे डेवलप हो सकते हैं। ये डिफ्लेक्टेड शेप ही को वार्प शेप बोलते हैं, और जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको वार्पिंग स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, ओके। हाँ चलिए, ड्रॉप टेस्ट कब होता है सर? देख ड्रॉप टेस्ट का क्या है ना दोस्त, एक मीटर से अपन ड्रॉप करते हैं, हाँ वो साइड पे करते हैं अपन, है ना, एक मीटर से ड्रॉप करते ब्रिक को, देखते कि टूट रहा कि नहीं टूट रहा। अगर टूट गया तो ब्रिक खराब है, ठीक है ना। तो ड्रॉप टेस्ट भी करते हैं साइड पे, ठीक है, अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति है भाई, जिस पे आपको विश्वास है वो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। एक मीटर से आपने ब्रिक को छोड़ना है, टूट गया खराब ब्रिक है। और एक आप एक रियलिटी बताऊं क्या पता है क्या? वैसे देखो हम इंजीनियर है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, एक्चुअली जो साइड में ब्रिक आता है फॉल्टी ब्रिक होता है, समझे क्या? जो साइड में ब्रिक आता है फॉल्टी ब्रिक होता है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो वही ब्रिक मंगाता है जो उसको सस्ते में मिल जाए, है ना। तो अगर उसको तुम ना देखोगे ना, अगर उसके 10 टेस्ट करोगे ना तो 2 से 3 टेस्ट ही पास करता है वो, 8 टेस्ट तो फेल हो जाता है, और वो 2 से 3 टेस्ट का ही रिपोर्ट लगा के निकाल देते हैं आगे, समझे मेरी बात को? तो रियलिटी बहुत खराब है, ठीक है, बुक में पढ़ना ठीक है अलग बात है, ऑन साइड चीजें बहुत खराब है भाई, ठीक है ना। अब एज पर IAS कोड डिजाइन करने लगे ना बिल्डिंग को, भाई साहब कॉन्ट्रैक्टर दिवालिया हो जाएगा, हाँ उसको नीरव मोदी बनना पड़ेगा, देश छोड़ के जाना पड़ेगा फिर, समझे क्या? इतना कॉस्टली हो जाएगा सब। हाँ चलिए ना, तो ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे ये स्ट्रेस क्या होंगे तुम्हारे डेवलप हो जाएंगे। तो मैंने क्या बोल दिया आपको, हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा स्ट्रेस इंड्यूस होता है विद इन द ब्रिक, और जिससे क्या होता है तुम्हारा लीड टू क्रम्बलिंग ऑफ ब्रिक। क्रम्बलिंग का मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा क्रैक डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं क्रम्बलिंग ऑफ ब्रिक, ठीक है। चलो आप देखो एफ्लोरेसेंस ऑफ द ब्रिक, देखो यार ये बहुत बार आप ये वर्ड सुनोगे एफ्लोरेसेंस, ये बहुत बार आप कॉन्क्रीट में वर्ड सुनोगे, ब्रिक में वर्ड सुनोगे, कभी भी आप मटेरियल के बारे में पढ़ोगे ना, कभी भी बिल्डिंग मटेरियल के बारे में पढ़ोगे या कॉन्क्रीट के बारे में पढ़ोगे, एफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? आपने देखो का ना ब्रिक के ऊपर एक सफेद चादर जैसे लग जाती है, ठीक है ना, सफेद चादर जैसे दिखता है, व्हाइटिश दिखता है ब्रिक, आपको व्हाइट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? उसमें सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा हो गया, क्या हो गया उसमें तुम्हारा सॉल्ट कंटेंट ज्यादा हो गया, ठीक है ना। तो तभी एफ्लोरेसेंस का प्रॉपर्टी आपको देखने को क्या होता है तुम्हारा मिलता है। तो इसके हिसाब से आप देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एफ्लोरेसेंस कब होता है, जब प्रेजेंस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर में, और जो क्या होता है मेक्स ए सॉल्टी डिपोजिशन ऑफ ब्रिक सर्फेस पे। तो सॉल्ट डिपोजिशन ऐसा आपको दिखेगा ये है, और इसके ऊपर ऐसा आपको ब्रिक के ऊपर ऐसे ना सॉल्टी डिपोजिशन दिखेगा, ऐसा व्हाइट लेयर देखने को मिलेगी, इसका मतलब क्या है एफ्लोरेसेंस हो रहा है, क्या हो रहा है तुम्हारा यहाँ पे एफ्लोरेसेंस हो रहा है, ठीक है ना। और इससे क्या होता है हाई मॉइस्चर कंटेंट की वजह से, हाई मॉइस्चर कंटेंट इज अ रीजन फॉर द एफ्लोरेसेंस इन द ब्रिक। तो अगर मॉइस्चर कंटेंट मतलब पानी, मॉइस्चर मतलब क्या होता है वाटर होता है, वाटर वेपर होता है, ठीक है ना। तो ज्यादा अगर मॉइस्चर कंटेंट हो गया तो इससे क्या हो जाएगा तुम्हारा एफ्लोरेसेंस क्या हो जाएगा भाई साहब बढ़ जाएगा, एफ्लोरेसेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा बढ़ जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है भाई साहब इस चीज का है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, एफ्लोरेसेंस इन द ब्रिक कैसे होता है, ओके। चलो तो आपको ये समझ में आ गया सबको, ठीक है, चैट में सब लिखते जाओ भाई, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा यार, हाँ कि मैं खुद से ही बातें कर रहा हूँ, है ना, ऐसे तो नहीं है ना। सबको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, सबको सेशन समझ में आ रहा है, फटाफट लिखते जाने का है ना। चलिए हाँ,
चलो नेक्स्ट बात करेंगे अब यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अभी पहला क्वेश्चन अपना खत्म हो गया, ये भी आपका पांच या छह माह के लिए आएगा। क्या आएगा, एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स या साइलेंट फीचर्स ऑफ द ब्रिक्स, ठीक है भाई। तो ये आएगा, ठीक है। तो बताइए भाई, सबको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, पूरा अच्छे से डिटेल में? हाँ, लिखा नहीं है कोई बात नहीं है, समझ लो, ग्रुप पे आ ही जाएगा, वैसे भी आपका जो नोट्स है सब ग्रुप पे आए जाने वाला है, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, ओके। यार तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो यार, शेयर करो एक बार जरा, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, शेयर करो एक बार सब लोग, जो लोग अभी नए आए वो लोग जस्ट, हाँ एक बार सब लोग शेयर करो, फटाफट शेयर कर दो एक बार सब लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्या है तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन, कंपोजिशन ऑफ ब्रिक, ब्रिक किससे बना है, ठीक है। एक बार फटाफट शेयर कर दो, क्विक, जल्दी जल्दी शेयर कर दो एक बार, और जो अभी आए हैं वो एक बार वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर दिन हर इनसेम का एम थ्री सोम है, अभी मॉस या सोम है आपका, फ्लूइड मैकेनिक्स है यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, और जियोलॉजी है, सब भाई सब होगा इधर, वन डे बिफोर में सब होगा, रेडी? हाँ आ रहा है थोड़ा थोड़ा, चलो ठीक है सर, पूरा पूरा कर लो यार, है ना। चलिए है कि नहीं, चलो 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 स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, ओके। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो क्या पूछा है अभी, क्या बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्रिक, ब्रिक किससे बना हुआ है, ठीक है ना, ब्रिक किससे बना हुआ है, कंपोजिशन का मतलब क्या रहता है, किस मटेरियल से बना है। तो क्या क्या मेजर कॉन्स्टेंट होता है ब्रिक में, सबसे ज्यादा होता है तुम्हारा सिलिका, क्या होता है सबसे पहले, क्या होता है सिलिका। तो ये मेजर कंपोनेंट है ब्रिक, बॉन्ड के लिए ब्रिक का, ठीक है। हम किसके बारे में बात करेंगे, हमेशा बॉन्ड के लिए ब्रिक में, क्योंकि हम यही ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। आजकल यहाँ पे कॉन्क्रीट ब्रिक भी यूज किया जाता है, जिसको हम प्रीकास्ट ब्रिक भी बोलते हैं, ठीक है ना, प्रीकास्ट कॉन्क्रीट स्लैब के जैसे आते हैं वो, पर हम यहाँ पे बॉन्ड के लिए ब्रिक के बारे में बात कर रहे हैं। ये सिलिका ये कवर क्या करता है, मोर देन आपका 50% ब्रिक वेट में क्या आपको दिखेगा, तुम्हारा सिलिका देखने को मिलेगा। सिलिका आपका क्या है, तुम्हारा ये फ्री कॉम्बिनेशन में, फ्री या कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है, और ये किसमें हेल्प करता है तुम्हारा, ये श्रिंकेज में, श्रिंकेज कम होने के लिए हम डालते हैं, या क्रैक कम डेवलप हो, या आपका वार्पिंग, वार्पिंग मैंने बोला था ना, डिफेक्ट हो जाता है शेप पूरा, वो कम करने के लिए हम क्या करते हैं, तुम्हारा सिलिका डालते हैं। उसके बाद जो होता है परसेंटेज ऑफ सिलिका जो प्रेजेंट होता है ब्रिक में, ये डायरेक्टली किसको रिलेट करता है, तुम्हारा यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। जितना ज्यादा आपका ब्रिक में सिलिका होगा, उतना ज्यादा वो यूनिफॉर्म होगा। तो इसका मतलब क्या, जितना ज्यादा सिलिका प्रेजेंट है ब्रिक में, इसका मतलब क्या होगा, उतना ज्यादा मोर यूनिफॉर्म टेक्सचर क्या होगा उसका, देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद जो एक्सेस अमाउंट है सिलिका का, वो लीड क्या करता है, तुम्हारा ब्रिटल बन जाता है और वीक हो जाता है ब्रिक, अगर ज्यादा है आपने एक लिमिट से ज्यादा डाल दिया, और उससे क्या होता है, राइट प्रोपोर्शन ऑफ सैंड इज वेरी एसेंशियल टू मेक ए गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक। तो अगर आपको भाई साहब, अगर क्वालिटी ऑफ ब्रिक अच्छा चाहिए, तो प्रोपोर्शन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बेड वी बिल्ड क्लोजर, मिटेड क्लोजर करो सर, याद नहीं रहता, वो भी करेंगे दोस्त, ठीक है ना। अभी तो मैं देख नहीं रहा हूँ कि बीवेल्ड क्लोजर पे या मैटेड क्लोजर पे क्वेश्चन आ रहा है, क्विंग क्लोजर नहीं आ रहा तो बीवेल्ड क्या ही आएगा दोस्त, क्विंग और क्विंग क्लोजर नहीं आ रहे तो, है ना। मैं जितना मुझे लग रहा है कि अभी इस बार भी जो क्वेश्चन आएगा वो इंग्लिश बॉन्ड पे या फ्लेमिश बॉन्ड पे ही आएगा, ठीक है, इंग्लिश बॉन्ड पे आएगा, फ्लेमिश बॉन्ड पे आएगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा अगर वो पूछेगा तो आपको बेसिक ये पूछ सकता है कि डबल फ्लेमिश बॉन्ड क्या है, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड क्या है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे एक समझ में आ गया आपको भाई साहब, चलो तो देखो हर एक कंटेंट, हर एक चीज में बताऊंगा भाई आपको, हाँ हर एक चीज कवर होगी, बस आप लोग भाई सब लोग साथ में रहो, सपोर्ट करो, सब चीज सिखा दूंगा मैं, आराम से सिखा दूंगा, क्या ही उसमें प्रॉब्लम है कि नहीं। चलिए हाँ नाउ अभी एल्यूमिना के बारे में बात करेंगे, सिलिका का पता चल गया, सिलिका का मेन रोल क्या है, टेक्सचर डिसाइड करने में, क्रैक कम करवाने में, वार्पिंग सर्च कम करवाने में, और ज्यादा लोगों के तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा लिमिट में लेने का, ठीक है ना, गेटिंग। चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं और एल्यूमिना के बारे में बात करते हैं, है कि नहीं। हाँ अब एल्यूमिना के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या है, बहुत ज्यादा नीडेड एलिमेंट है आपका ब्रिक का, जो फॉर्मेशन से क्या होता है, इट एक्ट एज ए बाइंडिंग और सीमेंटिंग मटेरियल इन द रॉ ब्रिक। इसका काम क्या है, बाइंडिंग मटेरियल मतलब दो चीजों को जो साथ में रखता है, ठीक है ना, जैसे सीमेंट क्या एक बाइंडिंग मटेरियल है, जिसका काम है सैंड, फाइन एग्रीगेट को, सेग्रीगेट को साथ में रखना, है ना। तो अब आपको वही है कि ये भी क्या करता है, बाइंडिंग मटेरियल सबको साथ में रखेगा, ओके। यूजुअली जो एल्यूमिना है ये मेन कंपोनेंट होता है क्ले का, और जो इंपार्ट क्या करता है तुम्हारा प्लास्टिसिटी ऑफ द ब्रिक। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या, जो इजिली फ्लो हो सकता है, जो ब्रिक क्या इजिली आप क्या कर सकते हैं, फ्लो करवा सकते हो, उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी।
क्यों प्लास्टिक की क्यों जरूरत है? क्योंकि आपको मोल्ड बनाना, ब्रिक बनाने से पहले क्या बनेगा? मोल्ड बनेगा। पहले मान लो आपने सारे इंग्रेडिएंट डाले, उसको एक सलरी जैसे बनाया, ठीक है, और प्लास्टिक बनाना, ज्यादा सलरी नहीं, सेमी सॉलिड बनाया, और उसके बाद क्या करते हैं अपन, उसको मोल्ड में भरते हैं, है ना। मोल्ड में भरने के बाद उसको कील में क्या करते हैं तुम्हारा, मतलब तपती हुई जो आप बोलते ना भट्टी, उसमें डाल के उसको गर्म करते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करता है तुम्हारा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ब्रिक का, और ये इंश्योर करता है कि ये मोल्डेड किया जाता है एक डिजायर्ड शेप एंड साइज में। इसको क्या कर सकते हैं आप तुम्हारा, मोल्ड कर सकते हो। अगर एल्यूमिनियम परमिसिबल लिमिट से ज्यादा हो गया तो उस केस में क्या होता है तुम्हारा, यहाँ पे ड्राई सिंकेज आपको दिखेगा, वार्पिंग ऑफ रॉ ब्रिक दिखेगा, और ड्राइंग प्रोसेस आपको थोड़ा क्या होगा तुम्हारा, टाइम लगाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक लिमिट में ही होना चाहिए, ज्यादा होगा तो आप जैसे दिख रहे हैं ये प्रॉब्लम आने आपको स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द एल्यूमिना। ये किसके बारे में बात हुई भाई, ये एल्यूमिना के बारे में बात हुई। एल्यूमिना का मेन काम क्या है, प्लास्टिसिटी इंश्योर करना। क्या इंश्योर करना, प्लास्टिसिटी, जिससे हम क्या कर सके ब्रिक को वापस मोल्ड कर सके। हमें मोल्ड भी तो करवाना है भाई, है ना। तो ये सारी चीज इसमें इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए आप देखो नेक्स्ट जो है तुम्हारा आयरन ऑक्साइड है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉर्नर हो गया, ये जो है ना ये लिखा है आयरन ऑक्साइड, है ना, आयरन ऑक्साइड है। इसमें क्या होता है तुम्हारा, ये ब्रिक कंटेनर में, इवन दो द ब्रिक कंटेन वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड Fe2O3, कोई आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, इट इंक्रीज द ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड इम्परमेबिलिटी। हाँ, तो क्या करेगा, आयरन ऑक्साइड का कंटेंट बहुत कम होता है ब्रिक में, और इसकी प्रॉपर्टी क्यों डाला जाता है, ऐसी बात होती है पता है क्या, जैसे खाने में अचार डाल दो, है ना, अगर तुम खिचड़ी खा रहे हो बिना अचार के खा रहे हो, टेस्ट नहीं लगता, अचार डाल दो, अचार का टोटल अमाउंट जो आपका खाने में अचार का प्रोपोर्शन थोड़ा ही है, और वो पूरा स्वाद चेंज कर देता है। वैसे ही बात है, आयरन ऑक्साइड भी वैसे यूज करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं, पर ये प्रॉपर्टी दो मिनट में चेंज कर देता है। कौन सी प्रॉपर्टी भाई, ड्यूरेबिलिटी, मतलब ज्यादा टाइम तक आपका चलेगा ब्रिक, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी ब्रिक की भाई साहब, और इम्परमेबिलिटी मतलब क्या, जो भी आपका पानी एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी है ना, मॉइस्चर या केमिकल रेजिस्टेंस, वो सारी चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी तुम्हारी, आ जाएगी भाई। उसके बाद आयरन ऑक्साइड क्या करता है तुम्हारा, रेडिश कलर, जो लाल कलर आता है ब्रिक को, रेडिश कलर जो आता है वो आयरन ऑक्साइड की वजह से ही आता है। आपको पता है हमारी बॉडी में भी हेमोग्लोबिन है, इसकी वजह से ब्लड का कलर रेड है। हेमोग्लोबिन में क्या है तुम्हारा, आयरन ही है, वैसी बात है, तो यहाँ पे भी सेम ही बात है। उसके बाद ये क्या करते हैं, लाइम को क्या करते हैं तुम्हारा, डिजोल्व करने में तुम्हारा हेल्प करता है। और डिफिशियंसी जो होती है आयरन ऑक्साइड की, ये क्या होता है, येलोइश कलर टू द ब्रिक देता है, ठीक है, एंड सरप्लस अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, डार्क ब्लू कलर हो जाए। तो दो कंडीशन याद रखना, अगर आयरन ऑक्साइड कम हो जाए, ठीक है, अगर आयरन ऑक्साइड क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ब्रिक को कौन सा कलर मिलेगा, येलो, और अगर ज्यादा हो जाए तो कौन सा कलर मिलेगा, ब्लू। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ब्लू और येलो कलर ब्रिक हमें नहीं चाहिए भाई, ब्लू और येलो कलर ब्रिक नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे ये थोड़ी खेल रहे हैं, हाँ, होली दिवाली थोड़ी चल रही है, ये जो कलर कॉम्बिनेशन खेलेंगे, है ना, तो वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है भाई। तो कलर कॉम्बिनेशन अपने को नहीं चाहिए, ओके, तो समझ में आ ही गया आपको, है ना, समझ गया होगा, क्या ही बता रहे हैं, समझ में आ गया, है ना। चल नाउ अब देखिए आगे, देखिए मैग्नीशिया के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, मैग्नीशिया। तो मैग्नीशिया के बारे में क्या पता होना चाहिए हमें, ठीक है, कि मैग्नीशिया जो है ये वेल नोन एलिमेंट यूज टू रिड्यूस द श्रिंकेज इन द ब्रिक। इसका काम है ब्रिक में जो श्रिंकेज है वो कम करवा देना। उसके बाद ये येलो शाइन देता है आपके ब्रिक को, और ओवरडोज जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, इससे क्या हो जाता है, कोरोजन, ब्रिक कोरोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आयरन पे कोरोजन होता है, वैसे ब्रिक में भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब कोरोजन मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी ओवरऑल। और ये क्या करता है तुम्हारा, प्रॉपर्टी जो है ब्रिक की ना, उसको बढ़ा देता है, एनहांस कर देता है। मतलब क्या है, जो प्रॉपर्टीज होती है ओवरऑल ब्रिक की, वो क्या हो जाती है भाई साहब, यहाँ पे बढ़ जाती है, ओके। चलो अब बात करते हैं लाइम के बारे में। लाइम के बारे में आपने बार बार सुनेंगे भी आप, ठीक है। तो लाइम क्या है, यहाँ पे आपका लाइम बहुत कम अमाउंट में होता है, और ये प्रोवाइड क्या, ये पाउडर फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म होता है तुम्हारा, पाउडर फॉर्म है। इसका काम है बढ़ाना आपका कौन सा, मेल्टिंग प्रोसेस ऑफ सिलिका, सिलिका को मेल्ट करवाने का जो प्रोसेस, उसको ज्यादा करना है, मतलब जल्दी से सिलिका क्या हो जाए तुम्हारा, लिक्विड फॉर्मेट में आ जाए। ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द बर्निंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक, ये किसमें हेल्प करता है, बाइंड करता है कॉम्पोनेंट, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट है ब्रिक, ब्रिक के कंपोजिशन में, उनको क्या करता है, बाइंड करके रखता है, मतलब सबको क्या रखता है, साथ में रखता है। और ये क्या करता है, इट मेक द ब्रिक मोर ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्गर। ब्रिक यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा टाइम तक हम यूज कर सकते हैं, और ज्यादा ये आपको स्ट्रेंथ देगा भाई, ठीक है, ज्यादा टाइम तक हम यूज कर सकते हैं, और ज्यादा ये आपको स्ट्रेंथ देगा भी, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ ही गया होगा इतना तक, हाँ या ना, बोलो भाई,
जल्दी जल्दी बता दो, है कि नहीं, सबको समझ में आ गया, बता दो। चलिए आप देखिए, अब बात करेंगे मशीनरी के बारे में। बताओ ये कौन सा डायग्राम दिख रहा है, बताओ यार, चलो सब लोग चैट में बताओ ये कौन सी मशीनरी है भाई, बता सकते हो कोई मेरे को? बहुत सारे लोगों ने मशीनरी देखी होगी आपने, हाँ बताओ कौन सी मशीनरी है ये। दो क्वेश्चन खत्म हो गए, दो क्वेश्चन खत्म हो गए, हाँ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हो गए, सबको समझ में आ गया ना? हाँ चलो अब बताओ भाई साहब, सब लोग आराम से बताओ, चैट में लिख के बताओ ये कौन सी मशीनरी है, क्या ऐसे आपने कभी देखा है? हाँ भाई यार तुम लोगों को दिमाग तो है यार, क्या मतलब मैं ऐसे ही सिखा रहा हूँ फिर तो सब लोग सही बोल रहे हैं। स्टोन मशीनरी को ही रबल मशीनरी बोलते हैं ना, उसी का टाइप है ना, तो इसको स्टोन मशीनरी या रबल मशीनरी बोलते। तो एक सिंपल काम समझो, पुराने जमाने में जो घर बनते थे उसमें हम पत्थर यूज करते थे, है ना, सिंपल सी भाषा में समझो, मैं ज्यादा इंग्लिश नहीं झाड़ता, ठीक है। तुम लोगों ने इंजीनियर बनना है, तुम्हें लेबर को भी समझाना आना चाहिए, ठीक है ना, यू नो इंग्लिश दैट इज वेरी गुड, बट आपको लेबर की भाषा भी आनी चाहिए, वो किस भाषा में समझेगा, है ना। तो आप पुराने जमाने में जो घर बनते थे वो किससे बनते थे? पत्थर से बनते थे। जो पत्थर से जो घर बनते हैं उसको हम स्टोन मशीनरी बोलते हैं, हाँ, या रबल मशीनरी बोलते हैं। अब अभी देखो, अभी आजकल के जमाने में क्या हो रहा है, ठीक है, 21st century में हम क्या कर रहे हैं, ब्रिक यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, ब्रिक, ठीक है, ईंट जो हम हिंदी में बोलते हैं, ईंट यूज कर रहे हैं, ईंट से मकान बन रही है फटाफट फटाफट, है ना, ईंटों से मकान बन रही है जल्दी से जल्दी, तो वो कौन सी मशीनरी हो गई, वो क्या हो गया भाई साहब तुम्हारा, कौन सी मशीनरी हो गई तुम्हारी, ब्रिक मशीनरी हो गई, समझे मेरी बात को। अब स्टोन मशीनरी और ब्रिक मशीनरी में क्वेश्चन आ रही है, क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है स्टोन मशीनरी और ब्रिक मशीनरी का, एक तो सेपरेट आ रहा है कि व्हाट इज स्टोन मशीनरी, दूसरा व्हाट इज ब्रिक मशीनरी, और एक आ रहा है डिस्टिंग्विश, एक क्या आ रहा है डिस्टिंग्विश, डिफरेंशिएट बताइए कि स्टोन मशीनरी और ब्रिक मशीनरी में क्या डिफरेंस है, ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, दिमाग है बट इट ड्रिवन विद लिमिटेड डिफिशियंसी, अच्छा अरे तो टेंशन लेना नहीं है यार जिंदगी में, है नहीं, चलो कोई नहीं दोस्त, हो जाएगा यार। ध्यान दीजिए, चलो तो ये समझ में आ गया, ये स्टोन मशीनरी है। अब देखो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन ब्रिक मशीनरी एंड स्टोन मशीनरी, ये सबसे पहले आपको आएगा, है ना, डिफरेंस आना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको सेपरेट स्टोन मशीनरी पूछ ली, सेपरेट ब्रिक मशीनरी पूछ ली, तो इसके पॉइंट भी तुम इधर से निकाल सकते हो, समझे ना, इधर से भी पॉइंट आप यूज कर सकते हो, समझे मेरी बात, यदि कभी याद नहीं आया टाइम पे तो वैसे मैं सब बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दो क्या है डिफरेंस, सबसे पहले बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ब्रिक एंड स्टोन। सबसे पहले देखो, ब्रिक मशीनरी ज्यादा इकोनॉमिकल है, सस्ता पड़ता है, क्यों, पहली बात समझो, स्टोन मशीनरी क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव इसलिए हो जाता है, उसको ड्रेस भी करना पड़ता है, ड्रेसिंग समझते हो ना, पत्थर कुछ भी आएगा भाई तुम्हें ऐसे फॉर्मेट में, फिर उसको तुम हथौड़े से तोड़ोगे मोड़ोगे फिर कैसे करोगे, ऐसा सीधा बनाने की कोशिश करोगे ऐसा, है ना, तो उसको ड्रेसिंग में ज्यादा टाइम लगता है। दूसरा क्या होता है, एज हैवी वेट है तो इसको जो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी ज्यादा जाता है, अभी मेरी बात को, तो लेबर चार्जेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए भाई साहब ये क्या होता है तुम्हारा, एक्सपेंसिव होता है देन स्टोन मशीनरी, ठीक है। ब्रिक मशीनरी ज्यादा नहीं, ब्रिक मशीनरी ज्यादा इकोनॉमिकल है स्टोन मशीनरी से, इसका मतलब अदर वर्ड क्या है, स्टोन मशीनरी ज्यादा एक्सपेंसिव है ब्रिक मशीनरी से, ठीक है, बात वन इन द सेम थिंग है, ठीक है। उसके बाद स्टोन ज्यादा टाइम तक चलेगी, ड्यूरेबल होते हैं, ज्यादा स्ट्रेंथ होती है और वेदर रेजिस्टेंट होते हैं देन ब्रिक। अब तुम ये समझ लेना, तो शनिवार वाड़ा के एग्जाम्पल है ना, सब लोग एबीसी चौक गए हैं, शनिवार वाड़ा सबने देखा है, शिवाजी महाराज ने बनाया था सब, हाँ शनिवार वाड़ा पुणे, हाँ हमारी कैपिटल थी तभी भाई, है कि नहीं। तो आपने देखो कि शनिवार वाड़ा के पत्थर देखो तुम, अभी तक भी वैसे ही इंटैक्ट है कि नहीं है, क्योंकि ज्यादा स्ट्रांग है वो, स्ट्रांग है, और ड्यूरेबिलिटी देखो कब से चल रहा है कि नहीं, मराठा एम्पायर से देखो, मराठा एम्पायर से अभी तक 21st century आगे तब से चली जा रहा है, इसलिए देखो ये समझ सकते कि ड्यूरेबिलिटी देखो कितनी ज्यादा है, स्ट्रेंथ भी अच्छी है और वेदर रेजिस्टेंस, और तब से क्या क्या नहीं हुआ होगा, बारिश आए होगी, आपका गर्मी हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा, ठीक है ना, पॉल्यूशन बढ़ा होगा, पर भी उनको कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा, समझे मेरी बात को, तो वो पॉइंट इसे समझ सकते हो। ब्रिक आर अवेलेबल इन रेगुलर शेप एंड साइज, वी कैन यूज देम विद अ सर्टन पैटर्न नोन एज ब्रिक बॉन्ड्स, बट इन स्टोन मशीनरी नो डेफिनेट पैटर्न आर पॉसिबल ड्यू टू देयर डिसिमिलर शेप एंड साइज। भाई साहब यही तो बात है, हाँ अरे वाह तेजस भाई सही है यार फिर तो, है ना रेडी। तो हमने क्या बोला, जो ब्रिक होता है ना, जो ब्रिक होता है ना, जो ब्रिक होता है
वो ब्रिक क्या होता है उसका उसका डेफिनेट शेप एंड साइज आता है। जैसे हम बोलते हैं किंग क्लोजर है, क्वीन क्लोजर है, स्ट्रेचर है। अभी किंग क्लोजर ब्रिक में देखो एक पैटर्न, तुम्हें तो पता है ना रेक्टेंगुलर पैटर्न तो फिक्स होता है, ब्रिक का ऐसा पैटर्न होता है, हर कोई ब्रिक ऐसे फॉर्मेट में मिलेगा, एक फिक्स पैटर्न है ना। क्वीन क्लोजर किंग क्लोजर छोड़ो, एक डेफिनेट पैटर्न है ना। और वैसे स्टोन में पैटर्न नहीं है डेफिनेट, स्टोन आपको कैसे भी मिलेगा ठीक है ना। अब आपको उसको ड्रेस करके एक दूसरे फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए उस फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा ठीक है ना। तो वहां पर क्या होगा, एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूम हो जाता है ठीक है ना। गेटिंग, तो स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टोन मेजरी में कम रहेगी, ब्रिक मेजरी में ज्यादा होगी, वो भी एक पॉइंट ऐड हो सकता है यहाँ पे ठीक है। गेटिंग, नाउ ब्रिक वॉल क्या हो सकता है, ये आपका थिन होता है, 10 सेंटीमीटर की वॉल होती है ठीक है ना। गेटिंग, तो इससे अगर वॉल का थिन है तो कार्पेट एरिया क्या होगा, बढ़ेगा, ये भी पॉइंट याद रखना। कार्पेट एरिया सबको पता है क्या, थोड़ा बेसिक बताता हूँ। कार्पेट एरिया का मतलब होता है यूजेबल एरिया, जो एरिया आप यूज कर सकते। मान लो अगर आपने बहुत बड़े बड़े मान लो कॉलम बना दिए, जैसे तुम किसी भी मॉल में जाओ, उसके जब पार्किंग फ्लोर में जाते हो तो कितने बड़े कॉलम दिखते हैं, इतने बड़े बड़े कॉलम है ना। समझो ये तुम्हारा पार्किंग फ्लोर है कॉलम का, समझो हाँ, ये पार्किंग फ्लोर है कॉलम का हाँ। अब इधर इतने बड़े बड़े कॉलम है, इतने बड़े बड़े कॉलम है, ये कॉलम है, तो इसने क्या किया, इतना एरिया मार दिया ना, ये पार्किंग का जो एरिया इतना था ना, इतना एरिया इसने पार्किंग का मार दिया है ना। तो ये बिल्ट अप एरिया में आएगा। कार्पेट एरिया क्या होता है, जो यूजेबल एरिया पार्किंग के लिए, कौन सा एरिया यूजेबल है ये ठीक है ना। तो ये एरिया में आप पार्क कर सकते हो व्हीकल को है ना। गेटिंग, तो वो कार्पेट एरिया होता है। गेटिंग, तो कार्पेट एरिया मतलब यूजेबल एरिया है जो तुम यूज कर सकते हो। जैसे अभी तुम्हारा बिल्ट अप एरिया मतलब जो आपने वॉल बनाई उसका भी एरिया बिल्ट अप में आता है, पर वॉल का तो तुम एरिया यूज नहीं कर रहे हो ना, वहां पे तो तुम कुछ लगा नहीं सकते हो, मतलब यूज नहीं कर सकते हो मतलब क्या, वहां पे आप जैसे क्लासरूम में वहां पे वॉल पे तो कोई बेंच फिक्स नहीं कर सकता ना भाई है ना। तो वैसी बात है, तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। तो अगर आपका कॉलम का साइज बड़ा हो गया, वॉल का थिकनेस बड़ा हो गया, तो उसे कार्पेट एरिया कम हो जाता है ठीक है ना। तो हमें तो कार्पेट एरिया ज्यादा चाहिए ना हाँ, तो ये चीजों का प्रॉब्लम होता है, इसलिए लोग ध्यान रखना। इसलिए बहुत ज्यादा लोगों ने क्या किया है, अभी लोग सब ब्रिक मशीनरी यूज करते हैं ठीक है। तो यहाँ पे एक दो पॉइंट्स हैं, पर मैं और भी पॉइंट इलाबरेट कर रहा हूँ, वो भी अपने दिमाग में रखना, क्योंकि उसको भी आप पॉइंट बना के लिख सकते हो एग्जाम में ठीक है ना। हाँ चलिए, तो इसका क्या, तुम्हारा 10 सेंटीमीटर का ये आपका ये है, बट अगर आप देखोगे स्टोन मशीनरी में जो थिकनेस होती है 38 सेंटीमीटर, देखो आपका तीन गुना चार गुना अप्रोक्सीमेटली चार गुना बढ़ गया ठीक है। तो 38 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो इसलिए कार्पेट एरिया उसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, इन केस ऑफ स्टोन मशीनरी क्या हो जाएगा तुम्हारा, कम हो जाएगा ठीक है। अब बिकॉज ऑफ मोर ड्यूरेबिलिटी स्ट्रेंथ एंड वेदर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स द स्टोन मशीनरी इज यूजफुल इन कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स ठीक है। कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम हम यूज कर सकते हैं, बट ड्यू टू इनॉर्मस साइज ऑफ द स्टोन इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज, बट यू कैन हैंडल द ब्रिक इजिली एंड एज दे आर स्मॉल इन साइज। तो यहाँ पे एक चीज क्या हो रहा है कि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन में हम यूज कर सकते हैं ब्रिक मशीनरी को, स्टोन मशीनरी के, क्योंकि उनका साइज बड़ा, तो उनका स्ट्रेंथ ज्यादा है। पर प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, साइज बहुत ज्यादा है यार। साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, तुम्हारा एक 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 नॉर्मल लेबर उसको उठा नहीं पाएगा, ज्यादा हैवी हो जाएगा ना। रेडी, अगर बड़ी चीज को उठानी है तो दो लेबर की जरूरत पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इसलिए ब्रिक क्या होते हैं, स्मॉल साइज होते हैं, फटाफट काम होता है। तो इसलिए फ्लोर एरिया और बिल्ट अप एरिया में क्या फर्क है, बस दोस्त फ्लोर एरिया मतलब कार्पेट एरिया समझ लो अभी प्रेजेंटली, और बिल्ट अप एरिया का मतलब क्या समझ, ये अब बिल्ट अप एरिया मतलब जो अपने बिल्डिंग में टोटल एरिया जो बनाया है ठीक है। मैं लूंगा ये एफएसआई जब सिखाऊंगा ना, सब लूंगा मैं ये ठीक है ना, एफएसआई में पूरा डिटेल में बताने वाला मैं ये, अभी तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था यार दोस्त ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हाँ। चलिए, तो यहाँ पे तक भाई बता दो सब लोगों को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, यहाँ पे तक सबको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बता दो फटाफट बता दो एक बार, चलो सब लोग बता दो एक बार, यहाँ पे तक क्लियर है भाई हाँ। एक बार आप समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझो आप, सो दैट यू गेट इट इजीली, जिससे आपको यहाँ पे आराम से चीजें समझ में आ जाए। हाँ बोलिए, सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे तक, चलो हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ आप देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि क्या होता है तुम्हारा, कि कम स्किल लेवल नीडेड होते हैं ब्रिक मशीनरी में, जबकि आपको स्टोन मशीनरी में बहुत अच्छे स्किल लेबर की जरूरत पड़ेगी, तभी वो पत्थर के साथ अच्छा कारीगर बन के एक अच्छा आपको बिल्डिंग बना के दे सकता है ठीक है। और ब्रिक वर्क इज मोर एडवांस देन अ स्टोन वर्क ठीक है ना, तो ब्रिक वर्क इज मोर एडवांस, एडवांस मतलब यहाँ पे ये बोलना चाहते थे कि बहुत जल्दी काम हो सकता है ब्रिक वर्क से ठीक है ना, एज कम्पेयर टू स्टोन वर्क से ठीक है। अगर आप देखेंगे ब्रिक वर्क में कोई ड्रेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था आपको, जबकि स्टोन वर्क में आपको प्रॉपर ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, जब तक आपने ड्रेसिंग अच्छे से नहीं की तब तक कुछ होगा नहीं भाई साहब ठीक है। ब्रिक क्या है तुम्हारे, एफर्टलेसली अफेक्टेड बाय क्या होता है तुम्हारा, केमिकल रिएक्शन ड्यू टू देयर प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन यूरिन और सीवेज। हाउएवर डिस्पाइट द स्टोन मशीनरी इज नॉट अफेक्टेड बाय द सच ए केमिकल रेजिस्टेंस, तो ब्रिक वर्क क्या होगा तुम्हारा,
सॉल्ट एक्शन से जल्दी क्या हो जाता है, तुम्हारे अफेक्ट हो जाता है। मतलब जब भी आप ड्रेनेज के लिए कुछ काम कर रहे हो या सीवेज लाइन भी छा रहे हो, तो ब्रिक वर्क जब यूरिन के साथ कॉन्टेक्ट में आएगा, यूरिन में क्या है सॉल्टी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, तो उसके वजह से क्या हो जाता है तुम्हारा ब्रिक खराब हो सकता है जल्दी। ठीक है, तो वहां पर आप स्टोन का ज्यादा यूज करें, गेटिंग माय पॉइंट, वो चीजें होनी चाहिए, गेटिंग। हाँ हाँ चलिए नाउ, अब उसके बाद जो होता है ये तो समझ गया। नाउ जो प्लास्टर हो ऑन स्टोन वर्क इज नॉट रिक्वायर्ड, वेयर एज प्लास्टर ऑन अ ब्रिक वर्क इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द सर्फेस ऑफ ब्रिक फ्रॉम द एनवायरमेंटल इफेक्ट। ये तो पता ही है, प्लास्टर करना ही पड़ता है ना। हाँ, एक बार तुमने ब्रिक बना दी, वॉल बना दी, उसके बाद प्लास्टरिंग करनी पड़ती है ना। प्लास्टरिंग, तो प्लास्टरिंग किसमें जरूरत होगी भाई साहब, ब्रिक वर्क में जरूरत होगी, स्टोन में तो जरूरत ही नहीं इस चीज की। हाँ, उसके बाद स्टोन आप रेडिली अवेलेबल नहीं होते, स्टोन को आपको रेडिली अवेलेबल नहीं मिलेगा, है ना। आपको जाना पड़ेगा, चट्टानें तोड़नी पड़ेगी, फिर उससे पत्थर निकालने पड़ेंगे, है ना। जबकि आपने देखा होगा कि ब्रिक वर्क के लिए तो आजकल देखो बहुत सारे वेंडर मिल जाते हैं, भाई भाई मेरे उधर से ले ले साइड से ब्रिक, या भट्टी वाला बोल रहा आपको कॉन्टेक्ट करो सर ले लो, हमारा तो पूरा एकदम रेट में लगा के दे देंगे, टेंशन मत दो, आप अपने अच्छे कस्टमर हो, है कि नहीं। तो ये इजीली मिल जाएगा, ठीक है ना, बस स्टोन के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, रेडी मेड पॉइंट, वो चीज समझनी पड़ेगी। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है, ओके नाउ। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो स्टोन वर्क और ब्रिक वर्क का कहाँ पे कौन इजीली अवेलेबल है वो आपको समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा, है कि नहीं, ये तो समझना पड़ेगा भाई। यस, चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो स्टोन हैवी होते हैं वेट में, जबकि ब्रिक क्या होते हैं लाइट वेट होते हैं, गेटिंग। इसलिए स्टोन मेजरी डिफरेंट जॉइंट्स आर डिमांडेड, whereas in the brick masonry different bonds are used। तो यहाँ पे joints ज्यादा मिलेंगे आपको stone masonry में। joint क्या होते हैं, जहाँ पे दो चीज मिलती है, और bonds तो आपको पता ही है, अभी आगे जाके बात करूंगा मैं, ठीक है। आप हमारे केस में क्या होता है, joint और bond सेम ही है, पर अलग अलग नाम से यूज की जाएगी stone masonry में और brick masonry में। bond क्या होता है तुम्हारा, दो चीजों को जो जोड़ रहा है, ये एक brick है, ये एक brick है, ये दूसरा brick है। अब ये तुम brick सीधा भी लगा सकते थे, हाँ ऐसे भी लगा सकते थे, ऐसे भी लगा सकते थे, ठीक है ना, एक के बाद ऐसे भी लगा सकते थे वन ऑन वन, या यही ब्रिक को आप ऐसा करके ऐसा भी लगा सकते थे ऐसा। तो कैसे आप अरेंज कर रहे हो आपके ब्रिक को, उससे बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे यहाँ पे इंग्लिश बॉन्ड फ्लेमिश बॉन्ड के बारे में, तो समझिएगा, ठीक है। तो डिफरेंट बॉन्ड हम यहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे स्टोन में आपको डिफरेंट जॉइंट्स मिलते हैं। डेड लोड ऑफ स्टोन मशीनरी ज्यादा होगा ब्रिक मशीनरी से, ये तो बात सही है कि डेड लोड ज्यादा होगा क्योंकि उसका वेट ज्यादा है, तो इसलिए डेड लोड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना, गेटिंग। चलिए चलिए चलिए, यहाँ पे तक सबको समझ में आ रहा है। जो लोग अभी आ रहे हैं भाई, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो यार, है ना। तो यहाँ पे हमारा ये डिस्टिंग्विश भी खत्म होता है। चलो जल्दी 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 भाई, एक बार सब लोग जिन लोगों को अभी आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, चलो फटाफट फटाफट भाई, हाँ चलो बी फास्ट, हाँ। और जिन लोगों को समझ में आ रहा है एक बार बता दो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना चैट में, ऐसा नहीं होना चाहिए मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ, एक दो लोग ही रिप्लाई कर रहे हैं चैट में, सब लोग रिप्लाई कर लो यार भाई, रिप्लाई करने के लिए पैसे थोड़ी लग रहे हैं, है ना। हाँ चलो चलो जल्दी बताओ, चलिए 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 जल्दी कीजिए। यस एक ही रिप्लाई है, बैलगाड़ी प्रेमी, अच्छा और कोई भाई, सौरभ बोल रहे हैं यहाँ पे, मैं कल पढ़ा, वो भी पढ़ा देंगे सर, वो भी पढ़ा देंगे, आप बताइए, है ना। अभी यूनिट नंबर वन पे है ना, तो बीच में यूनिट नंबर यूनिट शिफ्ट करूंगा तो कहीं लगेगा, है ना। बोला मैंने, आप ब्लू प्रिंट देखा था आपने, यूनिट का ब्लू प्रिंट देखा था आपने, देखा था आपने स्टार्ट का ब्लू प्रिंट, बताया था ना मैंने यूनिट नंबर वन से क्या क्या करना है, यूनिट नंबर टू से क्या क्या करना है, है ना। हाँ एक बार शेयर कर लो, जो लोग अभी आ रहे हैं ज्वाइन कर रहे हैं, एक बार शेयर कर लो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, है ना, एक बार शेयर कर लो भाई फटाफट फटाफट फटाफट। देखो भाई जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ज़्यादा कंटेंट मैं सिखाऊंगा, क्योंकि कंटेंट तो बहुत है आपके उसमें, कंटेंट मतलब मैं इंपॉर्टेंट तो दे ही दूंगा, पर कंटेंट इतनी ज़्यादा है ना, बहुत वास्ट कंटेंट है। अगर चाहते हो कि सारी कंटेंट सिखा के भी जाऊँ यार, आप लोग शेयर करो एक बार, है ना, है कि नहीं, चलो एक बार शेयर कर लो, और सबको जरूरत है आज ये वीडियो की, हाँ सबको जरूरत है आज, जो भी बच्चा कल एग्जाम देने वाले हैं उसको सबको जरूरत है आज वीडियो की भाई,
सही जा रहे हैं, वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ सबको जरूरत है आज, एक बार शेयर कर लो। चलो एक बार सब लोगों ने शेयर कर लेना है, फटाफट करो, फिर हम बात करेंगे बेसिक बेसिक बेसिक। हाँ बेसिक बेसिक बात करेंगे। चलो चलो जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। मैंने बोला था 50 लोग तो होने चाहिए, आप लोग 50 भी नहीं करवा रहे हो यार, है ना? कम से कम 50 तो होना चाहिए, आप 50 भी नहीं करवा रहे हो, खराब सिखा रहा हूँ। बोलेंगे सर क्या ही सिखा रहे हो यार आप, हाँ खराब सिखा रहे हो क्या? अभी मैंने ये लिया था, मैंने टी का लिया था, टी का जब इंसेंट चल रहा था तब 200-300 हो गए थे, मतलब मैं जब लाइव दे रहा था 300 बच्चे थे लाइव में उस दिन, EFM का लेक्चर था उस दिन। उस दिन बहुत मजा आया, कैसा रहता है मजाक भी चलता रहता है, पढ़ाई भी होती रहती है ना, ऐसा था। तो यार 50 भी बच्चे नहीं आ रहे लाइव में, है नहीं क्या ही बोलना। शायद सब सो गए, चलो देखते हैं अभी। अब ये क्या है तुम्हारा स्ट्रेचर है, अगर ब्रिक को अगर आप लेंथ वाइज अगर क्या करोगे तुम, अगर लेंथ वाइज रखोगे, अगर ब्रिक को कैसे रखोगे तुम्हारा लेंथ वाइज रखोगे, देखो ये कैसे रखोगे लेंथ वाइज, दिख रहा है क्या ये ब्रिक ने ऐसे किसने कैसे लिखा ब्रिक को, अगर आप लेंथ वाइज रखोगे तो ब्रिक क्या बन जाता है तुम्हारा स्ट्रेचर बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हेडर, अगर ब्रिक को तुम अगर ऐसा रखोगे तुम्हारा विड्थ वाइज रखोगे, लेंथ वाइज नहीं रखा, अभी कैसे लिखा उसने विड्थ, जो विड्थ है पहले स्टार्टिंग में विड्थ है और फिर ऐसा चला गया, ठीक है, ये क्या बन जाता है तुम्हारा हेडर, ठीक है। गेटिंग, हाँ गेटिंग, क्योंकि कैसे ना बेसिक समझना है, बेसिक से समझना है, क्योंकि ये चीज एक आएगी नहीं पर समझना चाहिए कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। ये चीज मतलब कि डायग्राम से क्यों बता रहा हूँ कि दो मिनट में समझ आएगी। ये होता है शाइन, मतलब ऊपर क्या होगा आपको फ्लैट सरफेस ऐसा मिलेगा, ओके। और रो लॉक, ये रो लॉक तो हमें वैसे जैसे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी पर हम इसको ऐसा बना के रखते हैं। और ये सेलर, सेलर में क्या होता है हम यहाँ पे ऊपर ऐसा बना के रखते हैं ब्रिक को, इस फॉर्मेट में ब्रिक को वर्टिकली रखते हैं ऐसा, ठीक है, ये रहता है तुम्हारा सेलर, ठीक है। और ये होता है शोल्डर, शोल्डर क्या रहता है ऐसा फॉर्मेट है शोल्डर, यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा इस फॉर्मेट में विड्थ सामने रखी जाती है, यहाँ पे क्या होता है लेंथ सामने रखी जाती है ऐसा, तो सेलर बन जाता है। अगर आपने विड्थ ऐसा आपका थिकनेस या विड्थ आप जो बोलो ये सामने रख दो तो बन जाएगा शोल्डर, ठीक है। अरे मैच देख रहे हैं, आज मैच है क्या? मैच वैच तो नहीं देखता हूँ यार, चलो ठीक है ना। अब इंजीनियर कुछ भी कर सकते हैं भाई, इंजीनियर के बारे में यू कैन नॉट कमेंट एनीथिंग, इंजीनियर कुछ भी कर सकते हैं भाई, है ना। हम चाहें तो गूगल का सीईओ बन जाएं और हम चाहें तो कुछ भी ना करें, ये हम पे है कि नहीं। तो इंजीनियर के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते हो, ऐसा हो गया है। चलो तो ये ब्रिक मशीनरी का स्टार्ट है यहाँ पे से। अब देखो यहाँ पे पहले हम ये देखो, पहले थोड़ा बात करेंगे पहले इंग्लिश बॉन्ड के बारे में, यहाँ पे बात करूंगा मैं, आप इंपॉर्टेंट अभी इंपॉर्टेंट ले रहा हूँ मैं वैसे ही। इंग्लिश बॉन्ड के बारे में बात करेंगे भाई, है ना। हाँ अब देखो इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, ये बॉन्ड में क्या होता है तुम्हारा अल्टरनेट कोर्स में आपको क्या मिलेगा, हेडर एंड स्ट्रेचर मिलेगा और वर्टिकल जॉइंट्स कम ओवर ईच अदर, वन ओवर ईच अदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो डायग्राम में, ये देखो ये क्या दिख रहा है आपको, ये देखो ये स्ट्रेचर है, ये क्या है तुम्हारा स्ट्रेचर, ये क्या है तुम्हारा स्ट्रेचर, ये क्या है तुम्हारा स्ट्रेचर, ऊपर क्या है हेडर, फिर क्या है स्ट्रेचर, फिर क्या है हेडर, फिर क्या है स्ट्रेचर, फिर क्या है हेडर, फिर क्या है स्ट्रेचर। तो ये हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर ऐसा करेंगे, हाँ ठीक है। तो ये हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर ऐसा करेंगे तो ऐसे टाइप के बॉन्ड को क्या बोलते हैं भाई, तुम्हारा इंग्लिश बॉन्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड। और ये देखो वर्टिकल जॉइंट्स इनको बोलते हैं, दिख रहे हैं ये जॉइंट्स, ये देखो वर्टिकल जॉइंट्स ऐसे, ये देखो ये देखो ये वर्टिकल जॉइंट्स है, दिस आर वर्टिकल जॉइंट्स, ठीक है। वर्टिकल जॉइंट्स कभी भी एक लाइन में नहीं होना चाहिए, इसलिए देखो यहाँ पे एक है तो उसके बाद यहाँ पे है, फिर यहाँ पे तो फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे तो फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे तो फिर यहाँ पे, कभी भी वर्टिकल जॉइंट्स एक लाइन में नहीं होते हैं, क्योंकि वर्टिकल जॉइंट्स अगर एक लाइन में हो गया तो फिर क्या हो जाता है तुम्हारा मैसेज मतलब पूरा गया, वो कोलैप्स हो जाएगा जल्दी, उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगी, ठीक है मेरी बात को। तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज इंग्लिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड मतलब यह होता है, ये पहला कोर्स है, ये सेकंड कोर्स है, ये थर्ड कोर्स है, अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर आर प्लेस ऑन अल्टरनेटिव कोर्सेस, ठीक है ना। अल्टरनेट आपको क्या मिलेगा भाई साहब, हेडर एंड स्ट्रेचर देखने को मिलेगा, है कि नहीं, सही बात है। चलो और ये जॉइंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब देखो
उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद बोला गया कि ये फॉलोड किससे होता है, इट इज फॉलोड बाय वर्टिकल ज्वाइंट ऑफ द स्ट्रेचर कोर्सेस, ठीक है, हेडर के ऊपर स्ट्रेचर कोर्सेस के आपके क्या मिलेंगे, आपको वर्टिकल ज्वाइंट मिलेंगे, और ये वर्टिकल ज्वाइंट हमेशा क्या होते हैं तुम्हारे, ये इन लाइन नहीं होते, मतलब सारे के सारे एक लाइन में नहीं होते हैं, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा तुम्हारा, इससे क्या होता है तुम्हारा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए लास्ट में हम क्या यूज करते हैं, क्वीन क्लोजर, क्या यूज करते हैं तुम्हारा क्वीन क्लोजर, क्या यूज करते हैं क्वीन क्लोजर, व्हाट इज क्वीन क्लोजर, व्हाट इज अ किंग क्लोजर, देखो क्वीन क्लोजर क्या होता है, अगर तुमने ब्रेक को लेंथ वाइज काट दिया ना भाई, ब्रिक को कैसे काटा आपने लेंथ वाइज, है ना, अगर आप ब्रिक को लेंथ वाइज काटेंगे ना तो जो बनेगा ना वो क्वीन क्लोजर बनता है, क्या बनता है क्वीन क्लोजर बनता है। चलो थोड़ा मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं आपको समझाने के लिए, देखते हैं मैं कितना अच्छा डायग्राम बना पा रहा हूं। ये मान लो तुम्हारी, ये तुम्हारा ब्रिक है, अब मैंने क्या कर दिया भाई साहब, इसको काट दिया, ये लेंथ वाइज मैंने इसको काट दिया, है ना, तो इसके दो इक्वल हाफ हो जाएंगे, थोड़ा मैं ढंग से लिख लेता हूं उसको, ये मैंने इसको लेंथ वाइज काट दिया, अब इसके क्या हो जाएंगे भाई साहब, दो इक्वल हाफ आ जाएंगे भाई, इसके दो इक्वल हाफ आ जाएंगे, एक छोटा और एक बड़ा आपको यहाँ पे दिखेगा, दो इक्वल हाफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एक ऐसा आएगा है ना, और दूसरा क्या आएगा ऐसा आ जाएगा, है ना, इन दोनों हाफ को क्या बोलेंगे तुम्हारा क्वीन क्लोजर बोलेंगे, है ना। तो जब आपका ब्रिक को अगर हम लेंथ वाइज काटते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्त, मूवी हब बोल रहे सर, बहुत एग्जाम, बहुत टेंशन हो रही है एग्जाम की, हाँ दोस्त क्या है यार एग्जाम में टेंशन लेना, इंजीनियर अगर टेंशन लेने पड़ेगी तो क्या ही हो जाएगा जिंदगी का, है ना, हाँ टेंशन लेने का नहीं जिंदगी में, खेल रहो भाई, हाँ अब जो सिखा रहा उसके बाहर आएगा नहीं, बोल रहे हैं हम सिखा भी रहे हैं, तो टेंशन की किस बात की टेंशन होने चाहिए, है ना, हाँ हाँ फॉलो करो बस, एंड तक फॉलो करो वीडियो को, पास के अच्छे मार्क्स आ जाएगा, 20-30 में से 20 प्लस तो आ ही जाएगा, और क्या ही चाहिए भाई, है ना, उसके बाद इनसेम एंड सेम में 20-25 लेके आ जाना, हो गए पास, क्या ही टेंशन ले रहे हो इतना, है ना। वेलकम गौरव जी, वेलकम। चलिए तो ये क्या हो गया भाई साहब, तुम्हारा क्वीन क्लोजर हो गया, क्वीन क्लोजर हो गया, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, क्वीन क्लोजर बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को क्लोजर नहीं समझता, क्लोजर का नाम से ही पता चल रहा भाई, क्लोजर मतलब जो एंड पे रहेगा, जो आपके मशीनरी को वो बंद करेगा, क्लोज करेगा, ठीक है ना। देख रहे हो डायग्राम में, अब मेरे डायग्राम उतने अच्छे नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे ये डायग्राम भी लेके आया हूँ भाई। तो ये देखो, ये क्लोजर हमेशा क्या रहेंगे तुम्हारे एंड्स पे देखने को मिलेगा, क्या करेगा मशीनरी को, यहाँ पे क्लोजर दिखाया ना लोगों ने, कोर्स दिखाया, कोर्स दिखाया, लास्ट में आपको क्लोजर मिलेंगे, अभी यहाँ पे दिखाया नहीं उन्होंने, लास्ट में क्या मिलेंगे तुम्हारे क्लोजर मिलेंगे, जो क्या करते हैं तुम्हारे, आपका क्या करते हैं तुम्हारे, आपका ये कोर्स रहता है, एक कोर्स को क्या करते हैं तुम्हारा क्लोज करते हैं, ठीक है ना। तो क्लोजर रहता है, तो कभी बेल्ट क्लोजर होता है, कभी किंग क्लोजर होता है, कभी क्वीन क्लोजर होता है, ठीक है ना। तो किंग क्लोजर भी बता देता एक बार मैं, किंग क्लोजर में क्या करते ना, बिबेल्ट क्लोजर में तो क्या होता है अनइवन कट होता है, ये क्वीन क्लोजर बता दिया मैंने। अब किंग क्लोजर में क्या है पता है क्या, अगर ये देखो ये तुम्हारा ब्रिक है ना, अब ये तुम्हारा ब्रिक है, तो ज्यादा बड़ा ब्रिक नहीं बनाता हूँ यहाँ पे, थोड़ा ऐसा बनाता हूँ, ये तुम्हारा ब्रिक है, और तुम्हें पता चला कि भाई नहीं अभी तो मैंने इसको ऐसे काटना है बिकॉज रिक्वायरमेंट ऐसी है, तो ब्रिक को काटना पड़ेगा ऐसा। तो अगर आपने ब्रिक को ऐसे काटा है तो क्या दिखेगा पता है क्या, ब्रिक कैसे दिखेगा पता है, ये ब्रिक जो होगा ना भाई ये ऐसा दिखेगा, आप ऐसा, और ये पीछे वाला पार्ट बना रहा हूं मैं, और आगे वाला पार्ट कैसे दिखेगा पता है, आगे वाला पार्ट दिखेगा ऐसा, ओके, आगे वाला पार्ट आपको ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, क्यों, इतना इतना पार्ट रिमूव हो चुका है, तो ये जो ये डॉटेड जो दिखा रहा हूं मैं, इतना पार्ट क्या हो गया तुम्हारा रिमूव हो गया, इतना पार्ट क्या हो गया, ये बीच का लाइन ऐसे आ गया है, पर इतना पार्ट क्या हो गया तुम्हारा, ये डॉटेड पार्ट है ना, इतना पार्ट रिमूव हो गया, ठीक है। पर मैंने यहाँ पे थिकनेस ज्यादा दिखाई है, उतनी ज्यादा थिकनेस नहीं होती है, कम होता है, ये देखो ऐसा रहता है ना ब्रिक, ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, इधर से ऐसा आपका कट करके निकाला जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा तुम्हारा किंग क्लोजर हो जाता है, क्या हो जाएगा तुम्हारा किंग क्लोजर हो जाता है, ठीक है। आई गेमिंग, हाय सर, आई एम अर्णव, हेलो अर्णव कैसे हो भाई, सर 8 बजे लेक्चर चालू करो, दोस्त क्या रहता है ना, काम भी इतने सारे रहते हैं यार, देख कोई ना कोई तो आ ही जाता है, देख कभी कभी स्टार्ट नहीं होते टाइम पे, सोच रहे हैं कल थोड़ा जल्दी चालू करेंगे, चलो। और कैसे दूसरे इंजीनियर्स भी रहते हैं ना, 8 बजे चालू किया ना, तो लोग भी खाने खाने मैस 8-8:30 बजे चालू हो जाता है ना, वैसा होता है, तो 9 बजे तक सब खाना खा के आ जाते हैं। अभी जो इनसे अभी पीछे लिया था ना हम लोगों ने, उसमें 9 बजे लिया था। आप देखो यहाँ पे, तो किंग क्लोजर और क्वीन क्लोजर आपको समझ में आ गया भाई, आराम से समझो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, यूजिंग अ क्वीन क्लोजर हम क्या करते हैं तुम्हारा, आपका इनलाइन जॉइंट को क्या करते हैं तुम्हारे वर्टिकल जॉइंट को क्या करते हैं तुम्हारा मैचिंग हो जाते हैं। क्वीन क्लोजर इज प्लेस आफ्टर द क्विनोन हेडर फॉर द ईच हेडिंग कोर्स। तो क्विनोन भी क्या रहता है तुम्हारा, एक छोटा पार्ट है, ब्रेक क्या रहता है, वो भी क्विनोन हेडर रहता है तुम्हारा,
ठीक है, तो उसके हर एक क्विनोन हेडर के बाद वो प्लेस किया जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंग्लिश बॉन्ड हो गया, ये तुम्हारा इंग्लिश बॉन्ड हो गया। अब फ्लेमिश बॉन्ड के बारे में समझते हैं। अब फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, व्हाट अबाउट फ्लेमिश बॉन्ड, सो व्हाट इज अबाउट अ फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है, एक फ्लेमिश बॉन्ड पैटर्न होता है जिसमें क्या होता है हर एक कोर्स में अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रक्चर होते हैं। तो वो मैंने ना यहीं पे रखा है, आप देखो थोड़ा अच्छे से देखो, इसको दिख रहा होगा आप लोगों को, यहीं पे देखो वही कोर्स में। अभी क्या हो रहा था, ऊपर कोर्स नहीं है, अभी यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर है और उसी के बाजू में क्या रख दिया, हेडर, फिर क्या रख दिया, स्ट्रक्चर, फिर क्या रख दिया, हेडर। सेम कोर्स में हो रहा है, ये सेम कोर्स में हो रहा है, समझे ना मेरी बात, सेकंड कोर्स में नहीं हो रहा, सेम कोर्स में हो रहा है, ठीक। तो ये आपका सेम कोर्स में ही हेडर स्ट्रक्चर, हेडर स्ट्रक्चर क्या होगा तुम्हारा चलता जाएगा। तो वैसे टाइप के बॉन्ड को क्या बोलते हैं भाई साहब, तुम्हारा वैसे टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड, वैसे टाइप के बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ऐसी वाले को मालूम नहीं है, क्या बात कर रहे हो यार, तो शेयर करो आप लोग, है ना, सबको बताओ भाई, मालूम होना चाहिए भाई, जिसका बैक लगना था उसका बैक नहीं लगेगा। अभी मेरे को एक बच्चा कमेंट कर रहा था, जब मैं टी और बी के इनसेम चल रहे थे ना, तो बहुत सारे लोगों को कब पता चला पता है क्या, कि सतीश साइंस एकेडमी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रही है, जब भाई दो पेपर हो गए, दो तीन पेपर हो गए, तो बहुत सारे लोग कमेंट में लिख रहे थे, सर पहले से पता नहीं चला सर, प्रॉब्लम हो गया सर, है ना। अभी बहुत सारे बच्चे क्या आज का वीडियो देखे, कल पेपर लिखेंगे तो उनको बहुत अच्छा जाएगा, तो फिर हो जाता है कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं दोस्त के, भाई यार तूने बताया नहीं यार, है ना, तो इसलिए होता है, बता दिया करो जो तुम्हारे दोस्त हैं। नया दोस्त ऐसा नहीं होता है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे अक्षय जाधव बोल रहे हैं, सर अगर हेडर लगाया तो नहीं, नहीं होता दोस्तों ऐसा, ठीक है ना। आप सोच रहे कि पूरा पूरा का पूरा हेडर उधर तक लगाएंगे, वैसे नहीं लगाएंगे, कट करके इतना ही पार्ट लेंगे वहाँ पे, ऐसा इतना बड़ा ब्रिक है ना, इतना बड़ा ब्रिक है, इतना ही पार्ट लग रहा है, आप उतना ही कट करके उतना रखेंगे वहाँ पे। आप क्या सोच रहे पता है क्या, सतीश सर ये पूरा का पूरा हेडर ऐसा लगा देंगे सर, वो नहीं, क्या करेंगे दोस्त, जितना उसको लग रहा है ना इतना कट करके वो सिर्फ लगाएगा, ऐसा हेडर प्लेस करेगा, बस इतना पार्ट दूसरे स्ट्रेच में यूज करेगा, पूरा का पूरा यूज नहीं करेगा दोस्त। आपके टीचर ने सेंड किया, बहुत सारे टीचर सेंड भी कर देते हैं, अच्छे टीचर रहते हैं भाई, ठीक है, चलिए भाई चलो। तो हाँ, तो ये समझ में आएगा फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है तुम्हारा, हर एक कोर्स में क्या होता है तुम्हारा अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रक्चर हो जाता है, क्या होता है तुम्हारा अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रक्चर होता है हर एक अल्टरनेट कोर्स में, क्या होता है स्टार्ट किसके साथ होता है, क्वीन हेडर के साथ होता है एट द कॉर्नर। तो आप देखेंगे क्वीन हेडर ये है, हाँ हर एक कोर्स में क्या होता है क्वीन हेडर होता है, ये देखो, ये देखो क्वीन हेडर दिख रहा है यहाँ पे, ये छोटा सा पार्ट को क्वीन हेडर बोलते हैं, ये हर जगह देखेगा आपको, ये स्टार्ट करता है तुम्हारा क्वीन हेडर से होता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या देखेंगे, हाँ तो नेक्स्ट ऑफ द क्विनन हेडर, क्विनन क्लोजर इज प्लेस अल्टरनेट कोर्स टू डेवलप ए फेस लैप। तो क्विनन हेडर के बाद क्या होता है तुम्हारा, यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा क्विनन क्लोजर प्लेस किया जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है जिससे कि क्या हो जाएगा फेस लैप आ जाएगा, और द पैटर्न अरेंज सच दैट एवरी हेडर इज सेंट्रली सपोर्टेड ओवर द स्ट्रक्चर बिलो इट। तो हेडर को क्या प्लेस होना चाहिए, देखो ये देखो ये हेडर है, इसके ऊपर क्या होगा, ये आपका स्ट्रक्चर है, उसको कौन सपोर्ट कर रहा है, हेडर, और ये क्या है तुम्हारा क्वीन है, ठीक है। ओपन और क्लोज दोनों यहीं पे हो जाएगा, जिससे कि क्या हो जाएगा एक परफेक्ट मैच हो जाएगा, ठीक है, हाँ गेटिंग, समझो मेरी बात को, ठीक है दोस्त, कोई इश्यू नहीं है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। तो ये अल्टरनेट हेडर और स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं, ऐसा आप आराम से क्या कर सकते हो तुम्हारा अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये फ्लेमिश बॉन्ड है, तो अगर आपको फ्लेमिश बॉन्ड आता है, इंग्लिश बॉन्ड आता है, तो ये आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, याद रखना है, अगर आपने ये बना दिया ना तो एग्जाम्पल को पहले समझ में आ जाता है, बच्चे को पता है कंसेप्ट, तो ठीक है ना। तो ये डायग्राम बना के बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, समझ जाए मेरी बात को, तो ये चीजें पता होनी चाहिए। चलिए भाई, हाँ चलो, हाँ चलिए नाउ, आप देखो ये भी सेम ही है, हेडर स्ट्रक्चर करके ये दिखाया है यहाँ पे। नाउ अब ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश बॉन्ड एंड फ्लेमिश बॉन्ड का जो आ रहा है, हाँ ये डिफरेंस बहुत फेमस है, ये डिफरेंस क्या है तुम्हारा, बहुत फेमस है, ठीक है। नाउ ये डिफरेंस बहुत फेमसली आ रहा है, ओके तो ध्यान दीजिए, हाँ तो अब ये ज्यादा फेमस है, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। देखो इंग्लिश बॉन्ड फ्लेमिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड एंड फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक है, सबको क्लियर है ना, ये फ्लैट क्लियर दिख रहा है ना सबको, है ना, हाँ
इंग्लिश बॉन्ड के बारे में सबसे पहले ये समझो, इंग्लिश बॉन्ड के बारे में क्या, इंग्लिश बॉन्ड बॉन्ड पैटर्न क्या होता है, यहाँ पे अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर कोर्स होता है जो हमने देखा। फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड पैटर्न हर एक केस में क्या होता है, अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रक्चर होता है सेम कोर्स में, फ्लेमिश बॉन्ड में सेम कोर्स में होता है, ये अल्टरनेट कोर्स में होता है। उसके बाद ज्यादा स्ट्रेंथ आपको मिलेगी ब्रिक से, और थिकर थिकनेस क्या होगी, ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू वन एंड हाफ ब्रिक से ज्यादा थिकनेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इन केस ऑफ इंग्लिश बॉन्ड। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा, कॉम्पैक्ट होगा एज कम्पेयर टू इंग्लिश बॉन्ड, कॉम्पैक्ट होगा मतलब थिकनेस कम देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लेसिंग अपेयर, यहाँ पे कम प्लीजिंग, प्लीजिंग मतलब देखने को अच्छा नहीं लगेगा उतना, प्लीजिंग मतलब क्या, देखने को उतना अच्छा नहीं लगेगा इसके केस में इंग्लिश बॉन्ड में, जबकि फ्लेमिश बॉन्ड में क्या दिखेगा आपको, ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा, ठीक है ना, गेटिंग। उसके बाद देखो एक्सपेंसिव होता है, क्या एक्सपेंसिव होता है तुम्हारा, आपका इंग्लिश बॉन्ड एक्सपेंसिव होता है, जबकि फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है तुम्हारा, सस्ता होता है, इकोनॉमिकल होता है। उसके बाद यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट सुपरविजन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे स्किल्स इज डिमांडेड, क्योंकि बिना स्किल के आप ये इंग्लिश बॉन्ड नहीं लगा पाओगे। और यहाँ पे क्या है, गुड वर्कमैनशिप एंड केयरफुल सुपरविजन की जरूरत पड़ती है। वर्कमैन तो आपको अच्छे लगेंगे, पर सुपरविजन भी अच्छा होना चाहिए, जैसे कि काम खराब ना हो जाए, बाद में पता चला कि पूरा ही पूरा खराब कर दिया भाई इसने, तो समझो मेरी बात को, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। तो क्लियर है भाई यहाँ पे तक, बता दीजिए सबको समझ में आ गया, ये बात हो गई इंग्लिश बॉन्ड फ्लेमिश बॉन्ड सबके बारे में, है ना। ऐसा लग रहा है सब लोग बोर हो गए क्या, हाँ बहुत कम हो गए बच्चे, हुँ? चलिए चलिए चलिए, बोर हो गए क्या, चलो एक बार बताइए बताइए सब लोग बताइए जल्दी फटाफट फटाफट बताइए भाई, सबको क्लियर हो गया, फिर आगे न्यूमेरिकल ले लेता हूँ मैं, ठीक है, जो आपको ज़्यादा आ रहा है और सबकी डिमांड पे न्यूमेरिकल हो जाए, है ना। क्लियर ना, चलो थैंक यू दोस्त। चलो अभी न्यूमेरिकल भी ले लेता हूँ मैं, क्योंकि न्यूमेरिकल फिक्स 5 मार्क के आएगा, है ना भाई, न्यूमेरिकल तो फिक्स आएगा 5 मार्क के लिए, तो पहले न्यूमेरिकल ले लेते अपन, है ना। चलो राइट डाउन न्यूमेरिकल, अब सब लोगों को क्या लगेगा, कैलकुलेटर निकालो, मेरे भाई यार सफिशिएंट तो है इसलिए सिखा रहा हूँ यार, कौन है यहाँ पे एटॉमिक रोबर, तो सफिशिएंट है बस, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा भी एक दो क्वेश्चंस लिखाऊंगा, वो भी करना, ये भी करना है, प्लस एक्स्ट्रा में जो क्वेश्चन सिखाऊंगा वो भी करना, ठीक है ना, गेटिंग। ये सब कर लोगे मोर देन सफिशिएंट है, आपके सीनियर को पूछ लो भाई, है ना, उन लोगों ने भी इनसे इसी से भी यार अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, है ना, टेंशन मत लो आप, अगर इससे इतना भी पढ़ के जाओगे तो भी आप अच्छा स्कोर करके आ सकते हो, सिर्फ हर एक इंस्ट्रक्शन फॉलो करके जाना, ठीक है ना। हाँ चलिए राइट ऑन द क्वेश्चन, सब लोग पेन नोटबुक लेके क्वेश्चन लिखिए, और आपको यहां पे लगेगा कैलकुलेटर, देखिए पहला क्वेश्चन, ए प्लॉट ओनर प्रपोज्ड G+1, ए प्लॉट ओनर प्रपोज G+1 कंस्ट्रक्शन विद 150 मीटर स्क्वायर कंस्ट्रक्शन With 150 meter square construction on each floor
एंड ईच फ्लोर ऑन अ प्लॉट साइज, ऑन अ प्लॉट साइज, ऑन अ प्लॉट साइज ऑफ 14 into 19 meter, 14 into 19 meter, फुल स्टॉप. इफ ए मार्जिन्स from all sides, if the margins from all the sides if the margin from all the sides are 2 meter and FSI is equal to kya tumhara 1 are the must as per the bylaws, are must as per the bylaws state with the reason whether the plan will be sanctioned or not. चलो सब लोग लिख लो भाई, सब लोग लिख लो फटाफट. क्वेश्चन लिख लो. डन. चलिए फॉर्मा भी बताता हूँ दोस्त, पहले ये तो ले लो. और क्या डिप्लोमा से है तो कोई टेंशन नहीं यार. अब देखो आपके पास, आपको सबसे पहले यहाँ पे एफएसआई का फॉर्मूला, एफएसआई का फुल फॉर्म क्या है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, मतलब कितना आपको फ्लोर में स्पेस मिलेगा, ये होता है एफएसआई. और कभी कभार इसको लोग एक और नाम से जानते हैं, फ्लोर एरिया रेशियो, FAR से भी जानते हैं, FAR. अगर आपको एग्जाम FAR भी बोलते हैं तो बात देखिए, फ्लोर एरिया रेशियो, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है, फ्लोर एरिया रेशियो. दोनों का फॉर्मूला एक ही है भाई, वो है आपका टोटल बिल्टअप एरिया अपॉन प्लॉट का एरिया कितना था, अपॉन प्लॉट एरिया, टोटल बिल्टअप एरिया अपॉन क्या, प्लॉट एरिया, ठीक है. कैलकुलेटर है ना सबके पास, टोटल बिल्टअप एरिया अपॉन क्या होगा तुम्हारा, प्लॉट एरिया, ठीक है. हाँ, सो अब आपको पहले एक बेसिक समझो, प्लॉट एरिया समझे ना, जब प्लॉट एरिया जाते हो ना, एक घंटे का प्लॉट है बोलते ना, एक घंटे का प्लॉट है तो वो तुम्हारा आपका प्लॉट एरिया हो गया. और टोटल बिल्टअप एरिया मतलब क्या, एक घंटे पे आपने कितने मंजिला बिल्डिंग बनाई, बोलते ना कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो कितना आपने कंस्ट्रक्शन किया. जैसे अगर एक मान लो एक घंटे का लैंड है, रफली मान लो आपने 3 फ्लोर बना दिए, तो क्या होगा तुम्हारा, ग्राउंड फ्लोर भी नहीं बनाया, सिर्फ फर्स्ट फ्लोर से चालू किया, तो फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो कितना बिल्टअप एरिया हो गया तुम्हारा, 300 का हो गया. एक बेसिक एग्जांपल से बता रहा हूँ, मतलब 3000 आपका क्या हो गया तुम्हारा, आपका क्या हो गया, 3000 हो गया आपका गुंठा, ठीक है, मतलब क्या हो गया, 3000 बिल्टअप हो गया, गेटिंग. तो हर एक फ्लोर का एरिया क्या करना पड़ता है, बिल्टअप में ऐड करना पड़ता है, क्योंकि आप फर्स्ट फ्लोर बनाओगे, सेकेंड फ्लोर बनाओगे, थर्ड फ्लोर बनाओगे, है ना, तो सब कुछ किसमें होगा तुम्हारा, बिल्टअप में क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऐड हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको देखो सॉल्व करते समय सबसे पहले आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, कि आपको J+1 है, मतलब ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर है, J+1 तो सबको ही पता होगा कि ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर का कंस्ट्रक्शन है, विद 150 मीटर एरिया कंस्ट्रक्शन ऑन ईच फ्लोर, हर एक फ्लोर पे कितना कंस्ट्रक्शन हुआ है, 150 मीटर स्क्वायर एरिया, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे 150 मीटर स्क्वायर एरिया और फर्स्ट फ्लोर पे 150 मीटर स्क्वायर का एरिया ऑन ईच फ्लोर, ऑन ए प्लॉट साइज ऑफ, साइज ऑफ प्लॉट कितना दिया है, 14 बाय 19 मीटर का दिया है,
इफ द मार्जिन फ्रॉम ऑल द साइड आर 2 मीटर, मार्जिन हर एक साइड से कितना छोड़ दिया इसने 2 मीटर, एंड एफ एस आई मतलब फ्लोर स्पेस इंडेक्स आपको दिया है 1, आर मस्ट एज पर द बायलॉस स्टेट वेदर द रीजन तो प्लान सेंक्शन होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले आप यहां पे लिखो कि भाई टोटल बिल्ट अप एरिया कितना होगा, फिर टोटल बिल्ट अप एरिया, टोटल बिल्ट अप एरिया होगा आपका 150 into 2, कितना हो गया तुम्हारा 150 into 2 हो गया ना, कैसे 2 कैसे हो गया समझा क्या, ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर कितना होगा, ग्राउंड फ्लोर पे 150 होगा, फर्स्ट फ्लोर पे 150 होगा, क्योंकि हर वो बोल रहा है हर एक फ्लोर पे 150 मीटर स्क्वायर का एरिया उसने आपका कंस्ट्रक्ट किया। 150 into 2 कितना होगा तुम्हारा 300, कितना होगा 300, और एक किसमें दिया था सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में दिया था 150 300 मीटर स्क्वायर है ना। तो ये आपका आया तुम्हारा कौन सा टोटल बिल्ट अप एरिया हो गया। अब उसके बाद आपका प्लॉट एरिया, अब क्या आपको निकालना है प्लॉट एरिया, तो अब अगर आप प्लॉट एरिया निकालने की कोशिश करेंगे तो प्लॉट एरिया आपको कितना मिलेगा, प्लॉट एरिया आपको दिया गया कि एरिया ऑफ द प्लॉट कितना है तुम्हारा 14 into 19 मीटर है, 14 into 19 है, तो आप कीजिए 14 into 19 करो, कैलकुलेशन कर लो, 19 4 से 76 होता है, कह रहे कितना हो गया तुम्हारा 7, 19 into 1 19 और 7 कितना हो जाएगा तुम्हारा आपका 26, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 266 मीटर स्क्वायर का हो गया। अब प्लॉट एरिया आपका 266 मीटर स्क्वायर हो गया, बिल्ट अप एरिया आपका क्या हो गया तुम्हारा 300 मीटर स्क्वायर, तो अब ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, पुट इन फर्स्ट करो तो आपको क्या मिलेगा, पुट इन फर्स्ट करने के क्या मिलेगा तुम्हें FSI, क्या मिलेगा F डॉट S डॉट I, दैट इज फ्लोर स्पेस इंडेक्स, टोटल बिल्ट अप एरिया कितना है तुम्हारा 300, और ये कितना है तुम्हारा डिवाइड बाय क्या है तुम्हारा 266, तो 300 डिवाइड बाय 266 करो कितना आया तुम्हारा बोलो, हाँ 300 डिवाइड बाय 266 करो कितना आया 300 डिवाइड बाय 266 1.12 का FSI आ रहा, डिवाइड करके कितना आ रहा है FSI, FSI यहाँ पे कितना आ रहा है भाई साहब, FSI आ रहा है तुम्हारा 1.12, FSI आ रहा है F डॉट S डॉट I क्या रहा है 1.12 आ रहा है, ठीक है ना। पर परमिसिबल कितना बोला उसने, परमिसिबल कितना है FSI कितना आना चाहिए था रूल के हिसाब से, FSI आना चाहिए तुम्हारा 1, कितना आना चाहिए तुम्हारा 1, पर 1 तो नहीं आ रहा ना FSI, रूल के हिसाब से FSI कितना आना चाहिए तुम्हारा 1, 1 तो नहीं आ रहा है ना, नॉर्मल कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो यार, है ना, 911 यस ठीक है चलेगा, वो भी चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा FSI कितना आना चाहिए 1, तो क्या पूछा है आपका आर मस्ट बी एस पर बाय लॉ स्टेट वेदर द रीजन वेदर द प्लान विल बी सेंक्शन और नॉट, तो प्लान सेंक्शन नहीं होगा दोस्त, प्लान सेंक्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई साहब, FSI आना चाहिए था 1, पर FSI क्या हो गया तुमने ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर दिया भाई, तो FSI कितना आ गया 1.12, सो एस एस FSI इज ग्रेटर देन 1, तो द प्लान विल नॉट बी सेंक्शन, तो द प्लान विल नॉट बी, प्लान विल नॉट बी सेंक्शन, ठीक है, ये प्लान आपका सेंक्शन नहीं होगा, प्लान विल नॉट बी सेंक्शन, ठीक है गेटिंग, तो सबको समझाए यहाँ पे, हाँ 1.127 यहाँ पे चेतन सही है आपका 1.12 मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, ठीक है ना, हाँ क्लियर है, हाँ तो पहले न्यूमेरिकल समझा, ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल 5 मार्क के लिए आ रहा है, एक बार देख लो आप लोग, ठीक है मैं साइड हो जाता हूँ, नहीं तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर आप साइड नहीं हो रहे, देख लो भाई एक बार, ये लो ये आपका है, देख लो एक बार, हाँ चलिए जल्दी कीजिए, और एक बार जब सब लोग लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, जो लोग सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए आने वाले थे उनको भी बोल दो भाई न्यूमेरिकल चालू हो गए, ठीक है, जिनको सिर्फ न्यूमेरिकल की जरूरत थी, बहुत सारे लोग रहते सिर्फ न्यूमेरिकल करने होते उनको, एक फिक्स मार्क्स मिल जाए तो बोलो न्यूमेरिकल चालू हो गया भाई, ठीक है हाँ चलो, जल्दी करो, हाँ कितने मार्क का आता है सर ये 5 मार्क का, ये न्यूमेरिकल आपको 5 मार्क का आएगा, ठीक है दिस इज 5 मार्क न्यूमेरिकल, हाँ अगर आप इन सेम पेपर के ये करेंगे इन सेम पेपर को देखेंगे फिर इसे 5 मार्क न्यूमेरिकल, ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे एक, राइट ऑन द क्वेश्चन, ए प्लॉट ओनर, देखिए सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, ए प्लॉट ओनर
प्लॉट ओनर, प्लॉट ओनर प्रपोज्ड, प्लॉट ओनर प्रपोज्ड जी प्लस वन स्टोरी कंस्ट्रक्शन, जी प्लस वन स्टोरी कंस्ट्रक्शन, जी प्लस वन स्टोरी कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन, जी प्लस वन स्टोरी कंस्ट्रक्शन, जी प्लस वन स्टोरी कंस्ट्रक्शन विद 175 मीटर स्क्वायर, विद 175 मीटर स्क्वायर बिल्ट अप एरिया, बिल्ट अप एरिया एट एरिया ऑन ईच फ्लोर फुल स्टॉप, द प्लॉट साइज इज, द प्लॉट साइज इज 16 मीटर इंटू 21 मीटर, 16 मीटर इंटू 21 मीटर, फाइंड द ग्राउंड कवरेज, फाइंड ग्राउंड कवरेज, फाइंड द ग्राउंड कवरेज, कवरेज एंड FSI, फाइंड द ग्राउंड कवरेज, कवरेज एंड FSI, एंड FSI प्रपोज्ड, एंड FSI प्रपोज्ड, FSI प्रपोज्ड, इफ ऑल साइड मार्जिन्स आर, इफ ऑल साइड मार्जिन्स आर, इफ ऑल साइड मार्जिन्स आर 2 meter, 2 meter, एंड इफ द, इफ द FSI, if the FSI, if the FSI allowed, if the FSI allowed in the area, in the area is 1.0, state with the reason, state with the reason, state with the reason whether the plan will be sanctioned or not, whether the plan will be sanctioned or not, will be sanctioned or not, sanctioned or not, plan sanction होगा या नहीं होगा, ठीक है भाई, so whether the plan will be sanctioned or not, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अब ध्यान दो, ये भी आपका 5 mark का न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, एक बार न्यूमेरिकल सब लोग लिख लीजिए, फिर बात करेंगे इस पे न्यूमेरिकल के बारे में, जो न्यूमेरिकल लिखना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि आपको पहले समझ में आता है कि न्यूमेरिकल क्या है, अगर सिर्फ सॉल्यूशन देखोगे न्यूमेरिकल समझ ही नहीं आया तो कुछ समझ नहीं आता है कि किस बात का आंसर निकाला जा रहा है भाई, हो गया, लिख लिया सब लोगों ने, थोड़ा साइड हो जाऊं, लिख लो भाई, चलिए ओके डन, चलो अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभी क्वेश्चन थोड़ा अच्छे समझो, क्वेश्चन ये बोल रहा है भाई साहब, अगर आपने एक प्लॉट ओनर है जिसने क्या क्या प्रपोज किया है, जो प्लॉट ओनर है जिसने क्या प्रपोज किया, प्रपोज्ड एक प्लॉट ओनर है उसने प्रपोज किया जी प्लस वन स्टोरी कंस्ट्रक्शन विद 175 मीटर स्क्वायर का एरिया बिल्ट अप का हर एक फ्लोर पे, मतलब जी प्लस वन मतलब एक फ्लोर पे 175 दूसरे फ्लोर पे 175 डबल हो जाएगा है ना, 175 टू जा, ठीक है, प्लॉट साइज कितना दिया है 16 मीटर इंटू 21 मीटर दिया है, ओके, फाइंड द ग्राउंड कवरेज एंड FSI प्रपोज इफ ऑल द साइड्स मार्जिन, इफ ऑल द साइड मार्जिन कितना दिया उसने 2 meter का दिया है, इफ द FSI अलाउड इन द एरिया कितने हैं 1.0, तो बताइए कि क्या रीजन वेदर द प्लान आपका पास होगा या नहीं होगा, ठीक है, पूछा कि प्लान पास होगा या नहीं होगा,
भाई साहब आप एक समझिए भाई, अगर आपका ये जी प्लस वन कंस्ट्रक्शन है, अगर आपका क्या है भाई ये जी प्लस वन कंस्ट्रक्शन है, जी प्लस वन कंस्ट्रक्शन है, तो टोटल बिल्टअप एरिया कितना होगा, टोटल बिल्टअप एरिया, टोटल बिल्टअप एरिया जो होगा ग्राउंड फ्लोर पे 175 है, फर्स्ट फ्लोर पे 175 है, 2 into 175 हो जाएगा, तो ऐड करो 5 टू 10, 17 टू 34 और क्या 35, तो आपका 350 मीटर स्क्वायर का एरिया है, ठीक है। अब आपको क्या दिया है, अब आपको बिल्टअप तो 350 मीटर स्क्वायर का दे दिया, ग्राउंड कवरेज निकालने को भी बोला है, तो ग्राउंड कवरेज कैसे निकालते हैं देखो मैं आपको बताता हूँ। ये जो लैंड है ना 16 मीटर बाय 21 मीटर ये बनाओ, 16 मीटर बाय 21 मीटर का यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाओ, फिर समझाते हैं आपको, ठीक है। ये आपका लेंथ जो है ना ऐसा है 21 मीटर, ऑब्वियस बात है लॉन्गर साइड होगी, तो ये 21 मीटर है आपका, और ये आपका कितना है 16 मीटर है। अब आपको बोला गया कि हर एक साइड से मार्जिन छोड़ना है, हर एक साइड से मार्जिन छोड़ना है कितना है 2 मीटर का, तो हर एक साइड से मार्जिन छोड़ के 2 मीटर का ये कुछ तो ऐसा बन जाएगा, हाँ इस अंदर आपको ऐसा हो जाएगा ये देखो, ओके ये आ जाएगा। हर एक साइड से क्या कर दिया आपने, हर एक साइड से क्या करेंगे 2 मीटर का मार्जिन छोड़ेंगे, यहाँ पे से 2 मीटर का छोड़ेंगे, नीचे से आपका 2 मीटर का छोड़ेंगे मार्जिन, इधर से आपका 2 मीटर का मार्जिन छोड़ेंगे भाई, और इधर से 2 मीटर का मार्जिन छोड़ेंगे, क्योंकि प्लॉट रेक्टेंगुलर है, ओके। अब देखो, अब ग्राउंड आपका एरिया जो बोलते ना ग्राउंड कवरेज वो क्या होता है, अब इससे मैं आपको ग्राउंड कवरेज बताता हूँ, ठीक है, अब समझिए, पे अटेंशन। अब आपको ग्राउंड कवरेज निकालनी है, तो यही जो आपका प्रपोज एरिया जो डॉटेड रेक्टेंगल बनाना इसका एरिया निकालना पड़ता है, यही क्या होता है, इसके अंदर लिख देता हूं, यही क्या होता है तुम्हारा ग्राउंड कवरेज होता है, हाँ कि कितना एरिया में एक्चुअली आप लैंड बना सकते हो। आपने देखा होगा ना कोई, अगर आप कभी भी घर बनाते हो, अगर मान लो आपका मेनली रोड पे घर है, तो रोड का मार्जिन छोड़ना पड़ता है 2 मीटर या 1 मीटर या 1.5 मीटर, हाँ अगर आप ज्यादा अंदर बना रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर आप रोड पे घर बना रहे हो भाई तो बड़ी बात है, वहाँ पे मार्जिन सारे अच्छे होने चाहिए, नहीं तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले आपको बनाने नहीं देंगे, ठीक है भाई, हाँ तो ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, अब तुम सोचो इतनी मैथ से सबको ही आती है भाई साहब, कि देखिए अभी देखिए यहाँ पे 2 मीटर और इधर से 2 मीटर कम हुआ, तो जो 21 मीटर का लेंथ जो एंड टू एंड 21 मीटर था उसमें से कितना कम होगा भाई साहब, ये 2 मीटर और ये 2 मीटर, मतलब टोटल क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 मीटर कम हुआ ना। तो ग्राउंड कवरेज एरिया अगर हम निकालेंगे, ग्राउंड कवरेज निकालेंगे तो जो 21 मीटर में है वो 4 मीटर कम होगा भाई, तो 21 माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 हो जाएगा, है ना। और ये वाला ये आपका विड्थ ये 16 है, तो इधर से कितना कम हुआ 2 और नीचे से भी कितना कम हुआ 2, तो 16 में से भी 4 कम हो जाएगा भाई, 16 में से भी 4 कम कर लो, 16 माइनस 4 कर लो, तो कितना 21 माइनस 4 कितना हो जाएगा 17, और 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा 12, भाई साहब इसको मल्टीप्लाई कर लो, हाँ यहाँ पे 17 टू कितना हो जाएगा 34, कैरी कितना हो जाएगा तुम्हारा 3, और 17 और 3 कितना होगा 304, 304 मीटर का आपका क्या है तुम्हारा ग्राउंड कवरेज है, 304 मीटर स्क्वायर के क्या है तुम्हारी ग्राउंड कवरेज है, ठीक है भाई। अब आपको क्या निकालना है FSI, अब आपको क्या निकालना है FSI, तो फ्लोर स्पेस इंडेक्स निकाल लेते भाई। FSI क्या होता है, टोटल एरिया ऑफ प्लॉट अपॉन बिल्टअप एरिया, टोटल एरिया ऑफ प्लॉट अपॉन क्या होता है तुम्हारा बिल्टअप एरिया, आपने कितने एरिया में बनाया, ठीक है ना, क्या होता है यहाँ पे टोटल एरिया ऑफ द प्लॉट अपॉन क्या होगा तुम्हारा बिल्टअप एरिया आएगा जो आपने बनाया, ठीक है ना, गेटिंग। तो यहाँ पे कितना आ रहा है तुम्हारा, हाँ चलो, तो टोटल एरिया ऑफ द प्लॉट, टोटल एरिया ऑफ द प्लॉट और अपना बिल्टअप एरिया 16 मीटर इंटू 21 मीटर था ना आपका, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। चलो आप देखो टोटल एरिया ऑफ द प्लॉट कितना है तुम्हारा, टोटल एरिया जो प्लॉट का है वो कितना आया 350, नहीं ये टोटल बिल्टअप एरिया था, टोटल एरिया नहीं है, ये टोटल बिल्टअप एरिया है, टोटल एरिया ऑफ द प्लॉट क्या होगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, टोटल एरिया ऑफ द प्लॉट कितना आएगा तुम्हारा, देखो ये 350 नहीं आएगा, ये आएगा तुम्हारा टोटल एरिया आएगा बाहर से जो आउटर टू आउटर बाउंड्री है 21 इंटू 16 अपॉन बिल्टअप एरिया कितना है तुम्हारा 350, दो स्टोरी बनाई आपने, अब इसको डिवाइड करो 21 इंटू 16 करोगे तो कितना आएगा भाई, मल्टीप्लाई कर लेने का कैलकुलेटर ले लीजिए आपका, हाँ तो कीजिए 21 इंटू 16 कर लो 336 आ रहा है भाई, कितना आ रहा है ये ऊपर का न्यूमरेटर
336, डिनोमिनेटर में कितने हैं भाई साहब 350, तो 336 डिवाइड बाय 350 तो कितना आया तुम्हारा FSI, FSI आया भाई 0.96, FSI कितना है भाई साहब 0.96, FSI इतना है। तो बताओ प्लान सेंक्शन होगा या नहीं होगा, बोलो जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई, थैंक यू सो मच, 50 के ऊपर हो गए इस पहली बार, ठीक है ना, गेटिंग। चलिए अब देखो बताओ, हाँ 204 हो रहा है, ठीक है चलो, हाँ तो बोलो प्लान सेंक्शन होगा कि नहीं होगा भाई, प्लान सेंक्शन होगा, प्लान सेंक्शन नहीं होगा, FSI 0.96 यहाँ पे दिया गया है ना, और यहाँ पे प्लान, अगर उसने बोला कि अगर इफ द FSI अलाउड कितने है तुम्हारा, एक मिनट नहीं, FSI अलाउड कितने है 1, FSI अलाउड कितना था 1, पर आया कितना 0.96, हो जाएगा ठीक है, क्योंकि क्या है अलाउड FSI 1 है, एस अलाउड FSI क्या है तुम्हारा, एस अलाउड FSI क्या है तुम्हारा, FSI क्या है तुम्हारा 1 है, और आपने यूज कितना किया, यूज कम किया ना आपने, यूज FSI क्या किया आपने, कम किया, यूज FSI कितना किया 0.96, हेंस प्लान सेंक्शन हो जाएगा, हेंस द प्लान विल बी सेंक्शन, विल बी सेंक्शन, प्लान सेंक्शन हो जाएगा, प्लान सेंक्शन हो जाएगा, ठीक है भाई, यहाँ पे प्लान सेंक्शन हो जाएगा। क्या बोल रहे हो आप, बिल्टअप एरिया अपॉन प्लॉट एरिया, अच्छा अच्छा ओके ओके ओके, थोड़ा हमने रॉन्ग कर दिया यहाँ पे, हाँ 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 यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा, हाँ यस 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 यस, टोटल बिल्टअप एरिया बाय प्लॉट एरिया होना चाहिए था, हाँ थोड़ा मैंने लिखने में यहाँ मिस्टेक कर दिया, यस माई फॉल्ट, यस 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 यस, हाँ ये होगा टोटल बिल्टअप एरिया, हाँ हाँ सही बात है सही बात है, टोटल बिल्टअप, बिल्टअप एरिया बाय प्लॉट एरिया, सही है सही है, ये थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे फॉर्मूला, थैंक फॉर करेक्शन, यहाँ पे कौन है ये संध्या रानी, थैंक यू, ठीक है तो यहाँ पे आपका ये उल्टा हो जाएगा, थोड़ा मैंने ये थोड़ा उल्टा लिख दिया, तो ये क्या होगा बिल्ट, आपका जो बिल्टअप एरिया था, मतलब कैलकुलेशन वही है, सिर्फ उल्टा लिखना पड़ेगा मेरे को, बिल्टअप एरिया कितना है तुम्हारा, आपका टोटल बिल्टअप एरिया अपॉन प्लॉट एरिया, तो बिल्टअप कितना है तुम्हारा 350, तो प्लॉट एरिया कितना था तुम्हारा 21 × 17, ओके ना, 21 × 17 करके कितना आया था 336 आया था, तो 350 डिवाइड बाय कितना आएगा तुम्हारा 336, ओके इसको सॉल्व करके कितना आया तुम्हारा FSI कितना आया 1.04 आ रहा ना, हाँ 1.04, ठीक है, थोड़ा सा मैंने क्या किया था फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा लिख दिया दोस्त, ठीक है सॉरी फॉर करेक्शन, और ये करेक्शन आपको करना पड़ेगा, 1.04 आएगा, अब FSI 1.04 आया तो फिर नहीं हो पाएगा, फिर प्लान विल नॉट बी सेंक्शन, ठीक है, क्योंकि अलाइबल 1 था, तो अलाइबल FSI कितना है तुम्हारा, अलाइबल FSI तो 1 ही है, और आपका जो सेंक्शन FSI आपको जो यूजेबल FSI आपने जो यूज कर दिया 1.04 कर दिया, इसलिए प्लान विल नॉट बी सेंक्शन, प्लान विल नॉट बी सेंक्शन, विल नॉट बी सेंक्शन, ठीक है। चलिए एक बार देख लीजिए भाई, एक बार देख लीजिए भाई, एक बार देख लो क्या था टोटल बिल्टअप एरिया भाई, प्लॉट एरिया था, प्रो मिस्टेक हो गया, ग्राउंड कवरेज कैसे निकालना सिखाया, समझ में आया, चलो ठीक है, एक बार जो लोग अभी आए भाई एक बार वीडियो को शेयर कर लो, लाइक कर दो वीडियो को जल्दी यार, है ना, चलो आपको समझ में आ रहा है क्या, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, है नहीं, चलो हैव यू गॉट इट, देख लीजिए एक बार कैलकुलेशन, हाँ तो ये आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ रहा है 5 मार्क का, ठीक है, ग्रुप कवरेज हो गया दोस्त, ग्रुप ग्राउंड कवरेज होगा ना, वो ग्रुप कवरेज क्यों होगा, क्वेश्चन ने क्या पूछा था, ग्राउंड कवरेज पूछा था ना, हाँ चलो सही है सही है, चलिए चलो अब एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूं, ये तुम सॉल्व करो, ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूं तुम सॉल्व करो, तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे फिर हो जाएगा अपना, ठीक है, देन दिस 5 मार्क क्वेश्चन,
चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। A plot owner proposed G plus one construction with 175 meter square construction on each floor on a plot size of 15 meter into 20 meter full stop. If all margins are 2 meter and FSI allowed if FSI allowed is equal to 1, find FSI का फॉर्मूला करेक्ट है, 200 लिखने में एक मिस्टेक हो गया वहां पे, ठीक है। फाइंड ए ग्राउंड कवरेज बी FSI consumed सी वेदर प्लान विल सैंक्शन और नॉट, ये तो सबको ही पता है, वेदर प्लान विल बी सैंक्शन और नॉट विल बी सैंक्शन और नॉट एंड डी आप लिखता हूं मैं आपके लिए, प्लान विल बी सैंक्शन और नॉट और डी आपको यहां पे ध्यान दीजिए। हाँ चलो डी आपको निकालना है। इफ नॉट हाउ मच अमाउंट द प्रपोज एरिया हाउ मच अमाउंट द प्रपोज एरिया will be required to be reduced by owner so that it is sanctioned। चलो भाई 3 मिनट देता हूं, 3 मिनट में सिंपल ही क्वेश्चन है, जल्दी आ जाना चाहिए, ठीक है। हाँ चलो सॉल्व करना स्टार्ट करो सब लोग। दो सौ चार कुछ अलग था बेटा, 204 क्या आया था वहां पे, 204 आया था ग्राउंड कवरेज है ना, 204 या जो 304 जो चार बोल रहे हो ग्राउंड कवरेज था, ठीक है वो दूसरा है, कंफ्यूजन मत करो खुद को। जो आप 204 की बात कर रहे हो ग्राउंड कवरेज आई थी। चलिए अभी आप ये खुद से सॉल्व कीजिए, समझ जाएगा।
ये खुद से सॉल्व करो, समझ जाएगा। चलो जल्दी करो, ये खुद से सॉल्व कर लो, यू विल गेट इट। चलिए पूरा का पूरा चला गया क्या भाई? हाँ चलो, उससे सॉल्व करो, समझ जाएगा। और जो लोग अभी आए हैं भाई, एक बार शेयर कर दो अपने फ्रेंड लोगों के साथ, कल ही पेपर है। चलिए चलिए जल्दी कीजिए, अब तक तो क्वेश्चन लिख के हो ही क्या होगा। ग्राउंड कवरेज आ रहा है तो यहाँ पे आयुष का है। ओके आयुष, हाँ सही है आयुष आपका। सबसे पहले यहाँ पे आयुष, संध्या का भी सही है, संध्या रानी सही है आपका। कितना मीटर से? हाँ सही है, 50 मीटर स्क्वायर से आपको सेंक्शन को एक करना पड़ेगा। हाँ चलेगा, अच्छा ठीक है, सबका आ गया क्या? चलो कर दिया सर आपका भी। एफएसआई कितना आ रहा था? कितना एफएसआई आ रहा भाई? एफएसआई कितना आ रहा है? 1.16। यस सही है आयुष, सही है आपका, एफएसआई 1.16 आएगा। तो मतलब तुम लोगों को समझ गया ना, है कि नहीं? समझ में आ गया है कि शुड आई सॉल्व द क्वेश्चन? प्लान सेंक्शन नहीं होगा क्योंकि एफएसआई तो परमिसिबल एफएसआई कितना है तुम्हारा? 1 है, परमिसिबल एफएसआई 1 है। सबका आ गया भाई, टाइम दे दिया मैंने। हाँ तीन क्या चार पाँच मिनट दे दिया एक्स्ट्रा मैंने। तो जिनका आंसर मैच नहीं हो रहा है, पहले बताओ ये आंसर सबके मैच हो रहे क्या? आपका आंसर ये मैच होना चाहिए, ग्राउंड कवरेज आपको आनी चाहिए 176 मीटर स्क्वायर, एफएसआई कंज्यूम जो हो रहा है वो 1.16 हो रहा है। प्लान सेंक्शन होगा? नो, इट विल नॉट बी सेंक्शन, क्योंकि परमिसिबल एफएसआई कितना था तुम्हारा? अलाउड एफएसआई जो तुम्हारा था परमिसिबल वो था 1, तो प्लान सेंक्शन नहीं हो रहा है। और उसके बाद कितना एरिया से, कितना कितने मीटर से रिड्यूस कर रहे हैं अपन? 50 मीटर स्क्वायर से रिड्यूस करना पड़ेगा जिससे ये 1.16 कम हो जाए। बताइए सबको मैच हो रहा है? कर दिया सर, क्वेश्चन को भी नीचे कर दिया, तो कितना ही करेंगे अभी, तो सबको दिखता रहेगा। राधे कॉलेज की दोस्त लिख क्या रहे हो? 234। अच्छा अच्छा ऐसा है क्या? तो शुड आई सॉल्व, शुड आई सॉल्व? तो दो मिनट में सॉल्व करके दिखाता हूँ। 176 15 मीटर बाय 20 मीटर का है। देखो आपको क्या दिया है, 175 है। बिल्ट अप एरिया क्या होगा? बिल्ट अप एरिया और जी प्लस वन के लिए कितना होगा? एक के लिए कितना दिया? 175। तो दो के लिए क्या? 175 इंटू 2, 5 टू जा 10, 72 जा 34, 350 मीटर स्क्वायर का बिल्ट अप एरिया हर जगह आ रहा था, ठीक है। और उसके बाद क्या है तुम्हारा? टोटल एरिया कितना है तुम्हारा? 15 मीटर बाय 20 मीटर। टोटल फ्लोर एरिया देखो, टोटल फ्लोर एरिया 15 बाय 20 मीटर का है, 15 मीटर बाय 20 मीटर, 15 0 एज इट इज, 15 टू 30, तो 30 मीटर स्क्वायर आ रहा है। एफएसआई कितना आएगा? बिल्ट अप एरिया बाय फ्लोर एरिया भाई आपका फ्लोर एरिया बोले या टोटल एरिया बोलो? टोटल एरिया, बिल्ट अप एरिया कितने है भाई साहब? 350। ये एरिया कितने है तुम्हारा? 300। इसको कैलकुलेशन करो तो कितना आ रहा है तुम्हारा? 1.16 आ रहेगा,
है ना, कितना आ रहा है तुम्हारा ये सॉल्व करके 1.16 FSI, ठीक है। तो सेंक्शन तो नहीं होने वाला है, नो, क्योंकि नो क्यों, क्योंकि जो आपका FSI बोला है वो 1 था। उसके बाद आपको क्या चाहिए, ग्राउंड कवरेज। ग्राउंड कवरेज कैसे निकालते भाई, हर जगह मार्जिन कितने हैं, 2 के मार्जिन छोड़ने हैं ना, तो ग्राउंड कवरेज में क्या है, 15 में से कितना माइनस होगा तुम्हारा, ये साइड 2, ये साइड 2, 4, और उसके बाद तुम्हारा 20 में से भी कितना माइनस होगा, 2, 2, 2, 4, 15 - 4 = 11, 20 - 4 = 16, 16 - 1 = 16, कैरी 1, 16 और 1 में क्या होगा 156, ठीक है, 16 - 1 = 17 हो जाएगा, 176 होगा, 156 में, 176 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो आपका कितना आएगा, ये 176 आएगा, ठीक है। डीबी निकाल के दिखाते हैं, तो कौन है संकेत देश में, डीबी निकाल के दिखाते हैं, एफएसआई में कितना चेंज कर रहे हैं आपको, एफएसआई में कितना, आपका एफएसआई कितना था, एफएसआई में कितना चेंज करना है तुम लोगों का, हाँ, प्रपोज एरिया में क्या है तुम्हारा, देखो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है, ये देखो डिफरेंस कितना रहेगा तुम्हारा, जो डी है ना, आपका एरिया क्या हो जाएगा, 1 कब होगा, सोचो 1 तभी होता जब तुम्हारा ये और ये बराबर होता ना, एफएसआई 1 कब होता, जब बिल्टअप एरिया और टोटल एरिया सेम हो जाता है। तो अगर आपको कभी भी बोला है कि कितना एरिया माइनस करना है, एफएसआई अलाउड में अगर आपको निकालना है, एफएसआई अलाउड इज इक्वल टू कितना है तुम्हारा 1, तो उस केस में एरिया कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, एरिया रिड्यूस करना पड़ेगा आपको बिल्टअप में से टोटल, बिल्टअप में से, हर बार याद रखना, बिल्टअप माइनस टोटल एरिया, टोटल एरिया, ठीक है। तो बिल्टअप माइनस क्या करेंगे आपका, बिल्टअप एरिया में से क्या करेंगे भाई साहब, टोटल एरिया माइनस कर देंगे भाई, टोटल एरिया, बिल्टअप एरिया कितना है तुम्हारा 350 है ना, बिल्टअप एरिया कितना है 350, टोटल एरिया कितना है 300, कितना आया 50, ओके सही है। बिल्टअप माइनस टोटल, कर दिया सर, कर दिया सब सॉल्व करवा दिए भाई। चलिए अब तुम लोगों का होमवर्क क्या है पता है, आप लोग ना जो इनसेम का पेपर है ना अक्टूबर का, जो तुम्हारे पास है अभी रिसेंट 2022 का, उसका क्वेश्चन ट्राई करना, 2 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के जो और में 5 मार्क का आ रहा है, ठीक है। अक्टूबर का जो पेपर है ना इनसेम का, अक्टूबर का जो पेपर है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन है 5-5 मार्क के न्यूमेरिकल के, जो FSI पे बेस्ड है, ठीक है भाई साहब, 5-5 मार्क के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, वो आप सॉल्व करना। तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन फिक्स आता है ना, ये 5 मार्क का अगर फिक्स क्वेश्चन आता है तो फिर बन जाएगा आपका, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सही है। अब यहाँ पर बताओ सबको न्यूमेरिकल समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बताओ सब लोग चैट में, जो लोग अभी जुड़ते जा रहे हैं भाई, लिखने का भी नहीं हुआ तो ये टेलीग्राम चैनल है हमारा सतीश साइंस एकेडमी का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर ये सारे के सारे नोट्स आ जाएंगे आफ्टर द सेशन, 5-10 मिनट में ही आ जाते सेशन के बाद, ठीक है। आप उधर ही जा रहे हैं, अक्षय सर उधर ही जा रहा हूँ, फॉर्म वर्क के बाद से जा रहा हूँ अभी, अपने लिए कम बोल रहे। स्वप्निल सर डेटा है क्या सर, हाउ रिड्यूस बाय 50, दोस्त दोनों का डिफरेंस निकालना है, बिल्टअप एरिया और टोटल एरिया का, देखो ना बिल्टअप एरिया कितना था तुम्हारा 350 और टोटल एरिया कितना हो जाएगा तुम्हारा 300, दोनों का डिफरेंस निकाल लो मेरे दोस्त, 350 - 300 किया तो कितना ही आएगा मेरे भाई, डिफरेंस करके 50 ही तो आएगा यार। हाँ और एग्जाम्पल सॉल्व करो, और एग्जाम्पल मैंने बोला ना दोस्त किधर से करना है, हाँ इनसेम पेपर उठाने डायरेक्टली अब है ना, हाँ क्योंकि सिर्फ एग्जाम्पल ही सॉल्व करते रहेंगे ना तो आगे के कौन सी गाएगा, 3 एग्जाम्पल तो ले लिए, 3 एग्जाम्पल ले लेना दोस्त मैंने, है ना, ये सेकंड, ये थर्ड था, इससे पहले मैंने एक और लिया था, ये सेकंड लिया था तुम लोगों के लिए, ग्राउंड कवरेज निकाल दे कैसे आराम से बता दिया था, और ये मैंने लिया था फर्स्ट, हाँ तो बस हो गया दोस्त। अरे प्रैक्टिस के लिए बोल दिया दोस्त, मूवी हब जो बोल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, अक्टूबर का एग्जाम के पेपर में है ना 2 क्वेश्चन, वो प्रैक्टिस कर लो,
सर विनोद सर भेज दो आप लिंक से, अच्छा ना टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दो सर अभी पेपर आप, ठीक है ना, जो पेपर है ना अभी अक्टूबर का भेज दो टेलीग्राम ग्रुप पे, तो पीडीएफ भेज दीजिए सर, भेज देंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ पेपर का, ठीक है ना, वापस आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, मिल जाएगा आपको। चलो इज इट क्लियर नाउ, और कुछ भाई? ठीक है हाँ, चलो यहाँ पे देख सबको समझ में आ गया, यहाँ पे देख सबको क्लियर हो गया, जल्दी बताओ एक बार, इज इट क्लियर? चलो चलो जल्दी बोलो, ज्वाइन कर लो एक बार टेलीग्राम, ठीक है सर डाल दो, मैं वेट कर रहा हूँ। चलो क्लियर है ना, और एक बार बहुत सारे लोग अभी बहुत सारे लोगों को लेट पता चल रहा है कि सेशन लिया जा रहा है, तो एक बार तुम लोग भी शेयर कर लो जैसे कि सब लोगों को पता चले, ठीक है। अब तक जितना मैंने सिखाया उसमें से आपके मेजोरिटी तो कंप्लीट हो गया, सब भेज देंगे दोस्त, क्या ही टेंशन ले रहे हो आप, है ना, आप बस पढ़ो यार। हाँ चलो, तो अब हम यहां पे बात करेंगे फॉर्मवर्क, फॉर्मवर्क है ठीक है, होमवर्क के बारे में बात करेंगे हम, स्कैफोल्डिंग के बारे में बात करेंगे हम, और हम बात करेंगे अब आपका इसके बारे में अंडरपिनिंग, ये तीन क्वेश्चन आएंगे, होमवर्क आएगा, स्कैफोल्डिंग आएगा और अंडरपिनिंग आएगा, ठीक है। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं क्या लास्ट में अभी? हाँ चलो, तो एक पोल कर देता हूं मैं, जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलो बोल दो इसके बारे में, नो एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट ही चाहिए तो, है ना, वो भी एक पोल कर देते हैं, हर एक उसमें ये पोल करता हूं मैं, चलो ये पोल किया है, पोल पे आंसर करो, हाँ हाँ FM का क्लास भी ले लूंगा मेरे भाई, कुछ दिन थोड़ा था ना यहाँ पे लाइट का इश्यू हो गया था ना, जिन थोड़ा लाइट का इशू हो गया नहीं ले पाए, है ना, जस्ट इम्पोर्टेंट इज नीडेड नो एक्सप्लेनेशन, यस में बहुत सारे लोग हैं, हाँ कल होगा मॉस्के लेक्चर भाई, चैंपियन टॉक्स कल मॉस्के लेक्चर होगा, मच नीडेड, चलो भाई ठीक है वो भी बताएंगे, यस में तो बहुत सारे लोग हैं यार तुम लोग तो बहुत अच्छे हो यार फिर तो, है ना, है ना, दिल जीत लेते हो तुम लोग, भाई यस वाले बाजी मार रहे हैं, सब लोग पोल में आंसर करो, लिख के कुछ फायदा नहीं, करवा देंगे टेंथ को मैं ले लूंगा, उस दिन में मैं ले लूंगा दोस्त, टेंशन मत लो, जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर लो भाई, तो जल्दी करो जल्दी करो, हाँ सर ने भेज दिया, देखो तुम लोगों को टेलीग्राम पे पेपर भेज दिया, बीटेक बिल्डिंग टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर भेज दिया, पेपर भेज चुके हैं भाई सर, ठीक है
हाँ देखो जस्ट इंपॉर्टेंट इज नीडेड नो एक्सप्लेनेशन में 72% लोग बोल रहे हैं सर इंपॉर्टेंट दे दो। चलो इनकी भी मनोकामना पूरी करता हूँ, इंपॉर्टेंट लिखो, चलो फिर एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, है ना। चलो राइट डाउन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अरे सब हो जाएगा, कंटिन्यूबर वेंटिलेबर हो जाएगा यार, टेंशन मत लो, है ना। तुम लोग इतना टेंशन ले रहे हो, बी टाइप कल है उसका भी ध्यान रखो, मॉस भी हो जाएगा। चलिए चलो भाई साहब लिखो 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी देखो जो मैंने सिखा दिया वो तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, जो मैंने अभी तक नहीं सिखाया उसमें से मैं अभी पहले बता दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है भाई। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब लोग शेयर कर लो एक बार, सब लोग शेयर कर लो भाई, है ना, सब लोग शेयर कर लो एक बार और बोल दो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू हुए। हाँ जिसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत थी सब आ जाओ, ज्वाइन कर लो फटाफट, जस्ट ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। चलो यस, पहला क्वेश्चन जो आएगा एक्सप्लेन इन डिटेल होमवर्क, ठीक है, एक्सप्लेन इन डिटेल होमवर्क आएगा। सेकंड एक्सप्लेन इन डिटेल स्लिप होमवर्क आएगा, डिटेल स्लिप होमवर्क आएगा। एक्सप्लेन स्कैफोल्डिंग या तो ये आएगा या क्वेश्चन इसके साथ क्या बन सकता है, और डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्म वर्क एंड स्कैफोल्डिंग, ठीक है, या इस पे क्वेश्चन बनेगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्म वर्क एंड स्कैफोल्डिंग। ओके स्कैफोल्डिंग, ओके ये तो इस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आएगा एक्सप्लेन इन डिटेल अंडरपिनिंग मेथड। ओके एक्सप्लेन इन डिटेल अंडरपिनिंग मेथड, एक्सप्लेन इन डिटेल अंडरपिनिंग मेथड। हाँ हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट आपको आएगा अंडरपिनिंग का बता दिया मैंने, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आएगा एस्पेक्ट्स जो है ना बिल्डिंग कोड्स के, वो आएंगे तुम्हें आप लोगों को बिल्डिंग बायलॉस के ऊपर क्वेश्चन आएगा। इतना लिख लीजिए इतना लिख लिया ना, फ्लोर FSI का तो मैंने न्यूमेरिकल ले लिया तो वो तो मैं अभी वापस लिखाऊंगा नहीं क्योंकि वो तो हो चुका है,
ठीक है। हाँ अब यहां पे से बिल्डिंग बायलॉज में आएंगे, बिल्डिंग के जो बायलॉज है ना ये वाले आएंगे तुम्हारे, कौन से बिल्डिंग बायलॉज देखो, प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चरल प्लानिंग जो है ना, फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चरल प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर प्लानिंग आएगा, प्लानिंग एंड डिजाइन, प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चरल प्लानिंग एंड डिजाइन आएगा ओके। और उस केस में प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर प्लानिंग एंड डिजाइन, उस केस में क्या क्या रहेगा तुम्हारा, उस केस में आएगा फंक्शन या यूटिलिटी पे आता है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए आएगा फंक्शन या यूटिलिटी आएगा, यूटिलिटी भी बोलते हैं हम इसको, यूटिलिटी बी आपको पूछेगा फॉर्म के ऊपर, फॉर्म पूछता है, सी जो पूछ रहा है यूनिटी पे पूछ रहा है यूनिटी, और उसके बाद यूनिटी पे पूछ रहा है ठीक है। हाँ ओके चल, उसके बाद सिक्स सिक्स क्वेश्चन जो आएगा वो आपको आएगा रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग ए बिल्डिंग। कभी कभी इसमें डिस्टिंग्विश भी आ जाता है ठीक है ना, यूटिलिटी और यूनिटी और यूटिलिटी का या इसका, तो अगर आप कोई भी पढ़ चुके तो डिस्टिंग्विश तो लिख ही दोगे, अगर आपने पढ़ा है तो डिस्टिंग्विश लिख लोगे। तो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग ए बिल्डिंग, प्लानिंग ए बिल्डिंग इसमें आपका आएगा कौन कौन से प्रिंसिपल पे क्वेश्चन आ रहा है देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ए जो आ रहा है वो आ रहा है आपका एस्पेक्ट, एस्पेक्ट बी आपका आ रहा है प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट सी जो है वो आ रहा है आपका ग्रुपिंग, रूमिनेस पे भी आता है और ग्रुपिंग पे भी आता है, रूमिनेस डी आएगा तुम्हारा ग्रुपिंग, डी ग्रुपिंग, और उसके बाद वेंटिलेशन पे आता है सर्कुलेशन एंड वेंटिलेशन, ग्रुपिंग हो गया और सर्कुलेशन, ई क्या आएगा तुम्हारा सर्कुलेशन ओके, इस पे क्वेश्चन आएगा ठीक है भाई। हाँ चलिए एक बार लिख लीजिए, उसके बाद एक और लिखो डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोमेट्रिक एंड प्रोस्पेक्टिव व्यू, डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोमेट्रिक एंड प्रोस्पेक्टिव, आइसोमेट्रिक एंड प्रोस्पेक्टिव व्यू, उसमें भी डिस्टिंग्विश आ सकता है ओके। बस इतने पे आएगा, उसके बाद एक और क्वेश्चन नीड ऑफ ऑटोमेशन इन कंस्ट्रक्शन ठीक है, एट क्वेश्चन लिखो नीड ऑफ ऑटोमेशन इन कंस्ट्रक्शन और उसके बाद आएगा यहां पे एक दो पॉइंट और ऐड कर दो, यहां पे एक पॉइंट और ऐड दो, यूटिलिटी हो गया ना इसमें, प्लानिंग एंड डिजाइन का था ना ये, ये आपका आएगा एस एन
एसेंटुएशन भी आएगा आपको ये, और ये आएगा आपका एक और यहाँ पे ऐड कर लो, वो आएगा मास कंपोजिशन, मास कंपोजिशन, ठीक है, प्रिंसिपल प्लानिंग और बिल्डिंग में, और उसके बाद प्रोपोर्शन कॉन्ट्रास्ट और रिदिम, एस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट हो गया ना, यहाँ पे लिख लो, ये सिंपल सी लाइन है यार, प्रोपोर्शन कॉन्ट्रास्ट रिदिम, ये जो है ना सिंपल है, कॉन्ट्रास्ट रिदिम, 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 हाँ सही बोल रहे सर, कल मॉस का भी होगा भाई, ज्यादा लोग आए नहीं रहे लाइव में, है ना, आने चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग पे ये क्वेश्चन, ये सब प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग के मैंने बता दिया, ठीक है, रेडी, हाँ ध्यान रखना, चलिए ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, उसका नीड ऑफ ऑटोमेशन तो मैंने आपको बता दिया, और उसके बाद आता है एक आपका बिल्डिंग का और एक कास्टिंग प्रोसीजर आता है, किसी के लिए भी पूछ सकता है कास्टिंग प्रोसीजर एक्सप्लेन, और एक ही रहता है कास्टिंग प्रोसीजर, वैसे एक्सप्लेन है कास्टिंग प्रोसीजर, प्रोसीजर ऑफ बीम, या बीम का पूछेगा या कॉलम का पूछेगा या स्लैब का पूछता है, इसमें से एक आता है, बीम कॉलम या स्लैब में से एक आएगा, ठीक है, कभी बीम का पूछेगा, कभी कॉलम का पूछेगा, कभी स्लैब का पूछेगा, तो इट इज योर चॉइस, ठीक है भाई, बीम कॉलम और स्लैब, मतलब उनकी चॉइस है, तुम्हारी तो क्या ही है, और उसके बाद ये एक है, लिस्ट द टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, लिस्ट द टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, ऑफ बिल्डिंग एज पर, एज पर, लिस्ट द टाइप ऑफ बिल्डिंग एज पर नेशनल, नेशनल बिल्डिंग, एज पर नेशनल बिल्डिंग एक्ट जो आपका रहेगा, एज पर नेशनल बिल्डिंग, ठीक है, लिस्ट द टाइप ऑफ बिल्डिंग एज पर नेशनल बिल्डिंग एक्ट का, ठीक है, तो ये आपको आएगा, तो ये 10 क्वेश्चन देखो ये आपको करना है, और जो मैंने अभी तक सिखाया इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, ये 10 क्वेश्चन जो लिखा दिए, ठीक है, और जो मैंने सिखाया इससे पहले न्यूमेरिकल में पहले ले चुका हूँ सबके लिए, ठीक है, न्यूमेरिकल ले चुका हूँ और ये सारा चीज़ें करवा चुका हूँ, गेटिंग, और कुछ भाई, आपकी फरमाइश भी पूरी कर दी मैंने, एनीथिंग एल्स, है यहाँ पे मूवी आप बोले टाइप्स ऑफ बिल्डिंग एज पर एनबीसी, ये वही है क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड्स एनबीसी, ठीक है, नेशनल बिल्डिंग कोड्स वही एनबीसी है, ओके, चलिए देखिए भाई सारे क्वेश्चन हो गए, ये सारे क्वेश्चंस आप ध्यान रखना, किसी का लिखना रह गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाएगा, मोस्ट वेलकम, उसके सर बोले थोड़ा एक्सप्लेन करो, अरे मैं तो एक्सप्लेन कर दूंगा, पर आप लोग रिवाइज कब करोगे, वो भी तो टाइम मिलना चाहिए ना, मैं तो एक्सप्लेन कर दूंगा, मेरा क्या ही जा रहा है, ठीक है, पर आप लोग रिवाइज कब करोगे, है ना,
कल पेपर भी तो है, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा के भी दे दिया। बहुत सारे लोग इसलिए बहुत सारे लोग यही सोच के आ रहे थे कि ये करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए था, है ना। थियरी है दो टाइप्स ऑफ बिल्डिंग है, इस पर एनबीसी पूरा थियरी है, वो कौन सा क्वेश्चन आया है यार। हाँ चलो ओके चलिए। हाँ मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। ओके मोस्ट वेलकम। तो अभी आप लोग क्या करो, ये सारे क्वेश्चंस को, ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से करो। मोस्ट वेलकम ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है अच्छे से करो, इसके बाहर पेपर नहीं आएगा। अगर आपने यही क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिए 20 प्लस आराम से आ जाएंगे। FSI वाले न्यूमेरिकल छोड़ना मत, ठीक है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। आपने हमने टेलीग्राम ग्रुप पे वो भी भेज दिया आपका, जो अभी इनसेम का पेपर है, और एनसेम का भी भेज दूंगा, ठीक है, हेडिंग वो भी मैं भेज दूंगा। ओके तो जिससे आपको मिल जाएगा। क्या बोल रहे हो सर, स्केफोल्डिंग बताओ। सुनो यार चलो, अब आप लोग चलो फिर एक बार सब लोग शेयर कर दो, एक बार सब लोग शेयर कर दो, एक बार मैं सबको ब्रीफली समझा देता हूँ सारी चीज़। चलो एक बार सब लोग शेयर कर दो, मैं ये सारी चीज़ें एक बार एक ओवरव्यू बता देता हूँ सब में क्या क्या है ना, आराम से समझा देता हूँ। चलो एक बार सब लोग शेयर कर दो। चलो यस मोस्ट वेलकम, एक बार सब लोग शेयर कर दो, ठीक है। चलो एक एक करके मैं सबको बता देता हूँ, एक बार सब लोग शेयर कर दो। अगर 75 बच्चे आ जाते हैं बता देता हूँ एक बार। चलो लाइक्स बढ़ने चाहिए भाई, कम नहीं होने चाहिए है ना, बता देता हूँ एक बार, सब लोग शेयर कर दो, सब बता देता हूँ, फॉर्म वॉर्म सब बता देता हूँ, ठीक है ना। हाँ चलिए सब लोग शेयर कर दो एक बार। 54 वाह, सीनियर चैनल सजेस्ट किया था ना, सीनियर अच्छे से पास हो गए भाई इसलिए। चलो चलो जल्दी करो, बस इतना ही 60 का 50 हो गया, उल्टा हो रहा गणित। चलो भाई एक बार बता देता हूँ, जिन लोगों ने पूछा है ना, अब तुम लोग रुके हो ना तो बता देता हूँ, जो अभी आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो ध्यान दो, जितने लोगों ने पूछा है ना अभी सुनो, सुन के ही जाओ आप, है ना। अब तुम पूछ ही रहे हो तो फिर यार कैसे रहता ना, अगर कोई पूछता ना मेरे को तो अच्छा नहीं लगता मेरे को, बता देता हूँ फिर, है ना। चलो क्लियर, पे अटेंशन। देखो भाई पहला जो क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द फॉर्म वर्क, फॉर्म वर्क कुछ नहीं होता यार। देखो तुम लोग ना इंजीनियर हो इसलिए समझना, तुम लोग इंजीनियर हो, तुमने इंजीनियर के हिसाब से सोचना है। फॉर्म वर्क का मतलब तुम लोगों को पता है ना, जब अगर आपको किसी को कॉन्क्रीटिंग करना है, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉन्क्रीटिंग से समझ में आता है सबको, ठीक है ना। मतलब क्या क्या करना है हम लोगों को, जहाँ पे आप कॉन्क्रीटिंग करते हो, मान लो आपको स्लैब का कॉन्क्रीटिंग करना है या आपका बीम का करना है, कॉलम का करना है, तो पहले हम क्या करते हैं, लकड़ी के फट्टे लेके आते हैं ना, है ना, प्लैंक लेके आते हैं, उसका पूरा एक क्या करते हैं तुम्हारा एक पूरा मोल्ड बनाते हैं, पूरा क्या बनाते हैं, ढोल का एक पूरा मोल्ड बनाते हैं। जो पूरा मोल्ड बनाते हो ना उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मवर्क बोलते हैं। और वो मोल्ड के अंदर क्या डालते हैं, फिर हम कॉन्क्रीट डालते हैं, वो मोल्ड के अंदर क्या डालते हैं तुम्हारा कॉन्क्रीट डालते हैं, वो कॉन्क्रीट को क्या करते हैं तुम्हारा फिल करते हैं, उसके बाद रैमिंग टैंपिंग जो भी करना है वो करते हैं, और उसके बाद वो फॉर्मवर्क को डिपेंड अपॉन आई इसके लिए तुम कर रहे हो, स्टेयर केस लिए कर रहे हो तुम लोग, फिर तुम लोग स्लैब के लिए कर रहे हो, तुम लोग बीम के लिए कर रहे हो, कॉलम के लिए कर रहे हो, 7 डेज 21 डेज 30 मतलब 4 वीक 6 वीक 8 वीक ऐसे बाद हम क्या करते हैं तुम्हारा रिमूव करते। तो फॉर्मवर्क किसी का भी हो सकता है, आप वुडन फॉर्मवर्क यूज कर सकते हो, आप स्टील फॉर्मवर्क यूज कर सकते हो, आपके पास और अदर फॉर्मेट जो भी है वो यूज कर सकते हो, ठीक है ना। बस सबसे बेस्ट और इजी जो सस्ता है वो है रहता है वुडन फॉर्मवर्क, हम यूज करते हैं
ठीक है, गेटिंग फॉर्मवर्क अच्छा होना चाहिए। हाँ सर ये इंपॉर्टेंट है, राइट द मिनिमम स्टैंडर्ड डायमेंशन फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड डायमेंशन फॉर द पार्किंग व्हीकल। ये दोस्त ट्रांसपोर्ट का पूछ रहा है क्या? एक मीटर का होता है, एक मीटर का होता है, 1-1.5 मीटर, 1-1.5 मीटर होता है, ठीक है ना। तो पार्किंग तो अलग अलग लेवल है, कौन सी पार्किंग कर रहे हो आप, एंगल पार्किंग कर रहे हो, स्ट्रेट पार्किंग कर रहे हो, बहुत कुछ है मेरे दोस्त, कर देंगे। चलो समझा फॉर्मवर्क का सब लोगों को, ठीक है। तो इस हिसाब से कर सकते हो फॉर्मवर्क में, एक एडवांस टेक्निक डेवलप की लोगों ने, पर फॉर्मवर्क क्यों करते हैं समझा। अब गुड फॉर्मवर्क की क्वालिटी क्या होती है, देखो सबसे पहले गुड फॉर्मवर्क की क्वालिटी ये है कि भाई साहब कीपर हो, इकोनॉमिकल हो, ज्यादा पैसे नहीं लगना चाहिए, ठीक है। दूसरा अगर इकोनॉमिकल हो गया बहुत अच्छी बात है, उसके बाद क्या होना चाहिए तुम्हारा, जो पर्पज के लिए हम यूज कर रहे हो, जैसे अगर आपने फॉर्मवर्क और कॉन्क्रीट है दोनों ऐसे लगाया है, तो जब आप तुम फॉर्मवर्क रिमूव कर रहे हो ना, ऐसा फॉर्मवर्क जब तुम रिमूव कर रहे हो, लकड़ी को रिमूव करिए ना, तो वो सरफेस ना फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए उसमें, ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब क्या, जब तुम फॉर्मवर्क रिमूव कर रहे हो तो डैमेज नहीं होना तुम्हारा स्ट्रक्चर, तो वो आपका यूटिलिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा जो फॉर्मवर्क होना चाहिए उसके सरफेस स्मूथ रहना चाहिए, जिससे कि क्या हो जाएगा ना तुम्हारा वो कॉन्क्रीट के साथ ज्यादा ना बॉन्डिंग शेयर ना करे, और जब निकालते समय प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ गुड फॉर्मवर्क, ठीक है ना। उसके बाद फॉर्मवर्क मेरे हिसाब से फॉर्मवर्क थोड़ा लाइट वेट भी होना चाहिए, लाइट वेट होगा तो बिल्डिंग में क्या होगा तुम्हारा, नीचे ना नीचे जो सपोर्ट ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी देने के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मवर्क हो गया, ये आपका फॉर्मवर्क है। फॉर्मवर्क में जो एडवांस मेथड है ना फॉर्मवर्क की, वो एडवांस मेथड क्या है, फॉर्मवर्क की स्लिप फॉर्मवर्क की है, ठीक है। स्लिप फॉर्मवर्क क्या है, एक एडवांस मेथड है जहां पर हम क्या करते हैं पूरा ही, मतलब देखो पूरा ही क्या रहता है तुम्हारा, ये एक सेटअप रहता है यार भाई, पूरा सेटअप ही रहता है, ऐसा रहता है। देखो एक ऐसा मैं सिंपल बताता हूँ, एक ऐसा सेटअप होता है, ऐसा पूरा एक सेटअप होता है, इसमें तीन कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। ये टॉप कंपार्टमेंट होता है, ये मिडिल कंपार्टमेंट होता है, और ये क्या होता है तुम्हारा बॉटम कंपार्टमेंट होता है, ठीक है ना। पर समझो स्लिप फॉर्मवर्क का मतलब क्या होता है, स्लिप का मतलब क्या, ये ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है। जैसे तुम मान लो तुम यहाँ पे टॉप कंपार्टमेंट का काम क्या रहता है तुम्हारा, कॉन्क्रीट को डिस्ट्रीब्यूट करना, टॉप कंपार्टमेंट जो रहता है स्लिप फॉर्मवर्क को क्या करता है, कॉन्क्रीट को स्टोर करके रखता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। कॉन्क्रीट को क्या करता है तुम्हारा, स्टोरेज करके रखता है और डिस्ट्रीब्यूट, और बॉटम कंपार्टमेंट का, मिडिल कंपार्टमेंट का काम क्या होता है तुम्हारा, वो कॉन्क्रीट को डिस्ट्रीब्यूट करना, और बॉटम कंपार्टमेंट क्या करता है वही कॉन्क्रीट को क्या करता है तुम्हारा, अच्छे से क्या करता है तुम्हारा प्लास्टर कर देता है, अच्छे से क्या करता है सरफेस फिनिश कर देता है। और जैसे ही एक लेयर, मान लो एक बिल्डिंग है जिसकी कितनी स्टोरी है, एक बिल्डिंग का एग्जांपल, एक बिल्डिंग है जिसकी 10 स्टोरी है, तो आपने पहले स्टोरी पे सारा काम हो गया, तो ये आपने पहले क्या लगाया था, स्लिप फॉर्मवर्क मान लो यहाँ पे लगाया था, ठीक है ना। जैसे इसका काम हो गया डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये फॉर्मवर्क हम ऊपर लेके जा सकते हैं। जैसे ये सेकंड स्टोरी का काम हो गया, वो क्या कर लेके जा सकते हैं तुम्हारा, ऊपर लेके जा सकते हैं। तो ये क्या है तुम्हारा, ये बहुत एडवांस मेथड है, ये क्या है बहुत एडवांस मेथड है। अभी तुम देखो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले ये नाइजीरिया में यूज किया गया था, उसके बाद अभी ऑस्ट्रेलिया में यूज किया जाता है, तो हर एक यूरोपियन कंट्रीज में ये यूज किया जाता है, इंडिया में भी यूज किया जाएगा, पर इंडिया में उतना ज्यादा हाईली डेवलप नहीं हुआ है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्शन मेथड बहुत फास्ट है। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, बहुत फास्ट होता है, मतलब 300 mm कॉन्क्रीट, अब सोचो 300 mm कॉन्क्रीट पर आर ये क्या कर सकता है तुम्हारा, डाल सकता है 300 mm कॉन्क्रीट पर आर क्या कर सकता है, ये तुम्हारा काम कर सकता है, इतना इसकी इफिशियंसी है, ठीक है। न्यूमेरिकल हो चुके दोस्त, म्यूजिक माइंड न्यूमेरिकल हो चुके, आप थोड़ा सा लेट हो गए, ठीक है। म्यूजिक माइंड न्यूमेरिकल हो चुके हैं, इस सेशन में थोड़ा बैक करके देख लेना, न्यूमेरिकल हो चुके। तो क्या करते हो, एक से ऊपर क्या करते, स्लिप करके क्या हो जाते तुम्हारे ऊपर, आपको क्या होगा तुम्हारा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये स्लिप होगा और ये क्या जाएगा तुम्हारा, ऊपर देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। हाँ नाउ अब ये आपको ऊपर जाके आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ इतना समझ में आया गेटिंग माय पॉइंट। तो इसको भी स्लिप फॉर्मवर्क क्यों मेथड है, क्योंकि बहुत पॉपुलर है, पर इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझ लीजिए। स्लिप फॉर्मवर्क आप वहीं पे यूज कर सकते हैं जहां पे कंस्ट्रक्शन क्या रेगुलर है, मतलब ऐसी बिल्डिंग में स्लिप फॉर्मवर्क यूज नहीं होगा, ये बिल्डिंग ठीक है। अगर ऐसी बिल्डिंग है यहाँ पे ऐसा है और यहाँ पे थोड़ा सा इसेंट्रिक हो गई बिल्डिंग, ऐसे निकल गई, तो इसमें स्लिप फॉर्मवर्क यूज नहीं हो सकता। रेगुलर कंस्ट्रक्शन होने चाहिए, जैसे रोड में हम स्लिप फॉर्मवर्क यूज करते हैं, क्योंकि रोड को क्या है सेम लेंथ और विड्थ रहती है, इसका फिक्स डायमेंशन है, तो सीधा 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 क्या जाता है तुम्हारा, ये आगे जाता है, सीधा सीधा क्या जाता है तुम्हारा आगे जाता है। तो अगर आपका क्या है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिक अगर आपका स्ट्रक्चर है तो उसके लिए स्लिप फॉर्मवर्क इज द बेस्ट, पर अगर असिमेट्रिक स्ट्रक्चर है तो वहां पे यूज नहीं किया जा सकता स्लिप फॉर्मवर्क। उसके बाद उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट भी होते हैं, वो हमें पता होना चाहिए, ये मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता दी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है तुम्हारा स्कैफोल्डिंग क्या होता है, ठीक है ना। अब तुम स्कैफोल्डिंग पूछ रहे तो स्कैफोल्डिंग भी बता देता हूं, ठीक है। स्कैफोल्डिंग क्या होता है दोस्त, स्कैफोल्डिंग हम क्या करते हैं, देखो जो फॉर्मवर्क को सपोर्ट करते हैं ना, आपने देखा ना छोटे छोटे क्या करते हैं वुडन पीस या जॉइस्ट बोलते हैं, आपने लकड़ी का टुकड़ा देखा होगा ना, जैसे इधर फॉर्मवर्क ऐसा है तो नीचे से एक सपोर्ट रहता है ऐसा, उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ लगाते हैं हम,
उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। उसको क्या बोलते हैं? तुम्हारा स्कैफोल्डिंग। तो क्या करता है? ये फॉर्मर को सपोर्ट करता है। ये क्या करता है? तुम्हारा फॉर्मर को सपोर्ट करता है। ये एक लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है, ये स्टील का रॉड हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। आप स्कैफोल्डिंग का बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। आपने देखो को पेंटिंग करते हैं लोग, हाँ, दिवाली के टाइम पे लोग पेंटिंग करते हैं या रिनोवेट करते हैं अपने घर को, या आपने देखा होगा कभी शादी का टाइम हो गया तो पेंटिंग करते लोग। तो उसमें देखा होगा एक बंदा क्या होता है, तुम्हारा एक एक रस्सी लेता है और उस एक लकड़ी रहता है उसके, एक वुडन प्लेटफॉर्म बनाता है बैठने के लिए, बता नहीं एक वुडन प्लेटफॉर्म बनाता है बैठने के लिए, वो भी एक स्कैफोल्डिंग ही है। वो क्या है तुम्हारे एक स्कैफोल्ड, वो वुडन प्लेटफॉर्म पे ऐसे बैठता है और फिर ऐसे पेंटिंग करता रहता है। देखा आपने ये, हाँ, गेटिंग? ऐसा क्या होता है तुम्हारा, पेंटिंग करते रहता है। समझे मेरी बात को? गेटिंग? तो ये भी आपका क्या है, दिस इज ऑल्सो इज वन काइंड ऑफ, ये भी क्या है तुम्हारा, ये एक स्कैफोल्डिंग का भाई है। ये भी क्या वन काइंड क्या है तुम्हारा, स्कैफोल्डिंग का भाई है। तो स्कैफोल्डिंग का काम क्या रहता है? पहला, ये सरफेस प्रोवाइड करेगा किसके लिए, लेबर्स के लिए। दूसरा, यहाँ पे सरफेस प्रोवाइड करने के बाद ये सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, जिससे सेफ्टी रहे। तीसरा ये रहता है तुम्हारा कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपका क्या रहता है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है ये फॉर्मवर्क को, एक ये भी बोल सकते हो आप। चौथा जो है, जो आपका ये रहता है तुम्हारा स्कैफोल्डिंग, ये आप भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है ना। स्कैफोल्डिंग वन आपका वुडन स्कैफोल्डिंग होता है। वुडन स्कैफोल्डिंग सिंगल लेयर हो सकती है, मतलब एक ही लकड़ी का टुकड़ा है तो सिंगल लेयर स्कैफोल्डिंग हो गए। दो लकड़ी के टुकड़े है तो क्या है, डबल लेयर स्कैफोल्डिंग हो गई, ठीक है ना। अगर मान लो ज्यादा लोग काम करने वाले रहेंगे, आपने देखा होगा ना साइड पे, देखा होगा ना सबने, ऑब्जर्व किया होगा भाई कि साइड पे क्या होता है तुम्हारा, ये आपका ऐसा प्लैंक लगाया जाए, एक लकड़ी का फट्टा ऐसे लगाया जाता है, ठीक है। ये रॉड है, एक लकड़ी का फट्टा यहाँ पे ऐसे लगाया जा रहा है, और यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, इस पे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस पे पेंट कर रहे हैं। इस पे क्या कर रहे हैं तुम्हारा, पेंट। हाँ, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस पे क्या कर रहे हैं तुम्हारे, पेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक रॉड, कभी कभार आपको दिखा कि दो रॉड लगाए, दो लकड़ी के फट्टे लगाए जाते हैं, क्यों? तब लोड क्या होता है तुम्हारा, ज्यादा होता है। इसको बोलते हैं डबल स्कैफोल्डिंग। क्या बोलते तुम्हारा, डबल स्कैफोल्डिंग। ये क्या हो गया तुम्हारा, सिंगल स्कैफोल्डिंग। ये क्या हो गया तुम्हारा, डबल स्कैफोल्डिंग। समझे मेरी बात को? गेटिंग? तो सिंगल स्कैफोल्डिंग हो गया, डबल स्कैफोल्डिंग, समझ में आया। उसके बाद सिंगल स्कैफोल्डिंग और डबल स्कैफोल्डिंग आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको समझना है कैंटिलीवर टाइप का स्कैफोल्डिंग। कैंटिलीवर टाइप का स्कैफोल्डिंग कब यूज करते, पता है क्या? मान लो नीचे क्या है, रोड है और उसके ऊपर एक हाई राइज बिल्डिंग चल रही है, तो क्या हो सकता है ना, डर रहता है। एक तो ज्यादा हाइट हो गई, या आपको मान लो एक ऐसा जगह पे आपको क्या करना है, तुम्हें पेंटिंग करनी है, जहां पे क्या हो गया तुम्हारे तीन फ्लोर तो हो गए, मतलब सारे फ्लोर हो गए, 10 फ्लोर की मंजिल की बिल्डिंग है, सिर्फ लास्ट फ्लोर पे ही पेंटिंग रह गया था 9th फ्लोर पे। तो इतना बड़ा तुम लोग स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करोगे, ये इकोनॉमिकल नहीं होता है। उससे अच्छा आप क्या करो, एक वॉल पे क्या करते हम तुम्हारे, वी ड्रिल द रॉड, आयरन नेलिंग करते हैं। नेलिंग सबको पता है ना क्या, ड्रिल करने के बाद क्या, आयरन रॉड लगाते हैं उसको अंदर। आयरन नेलिंग से क्या होता है तुम्हारा, ये आयरन नेलिंग क्या प्रोवाइड करेगा, तुम्हारा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा लेबर को। ये आयरन नेलिंग यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेगा, इट विल प्रोवाइड अ सपोर्ट टू द लेबर। हाँ, ये क्या करेगा तुम्हारा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा तुम्हारे किसके लिए, तुम्हारा लेबर को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और उसमें क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो एक्स्ट्रा कॉस्ट था ना कि यहाँ पे से आपको स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करना था, वो बच जाता है, वो सब कुछ क्या हो जाता है तुम्हारा, बच जाता है भाई, ठीक है भाई। गेटिंग? तो बता दिया मैंने, जो आपने पूछा बता दिया भाई, तीनों के तीनों मैंने बता दिए, ठीक है, ओके। चलो, खुश रहो अभी, ठीक है। ऑटोमेशन कुछ नहीं है दोस्त, ऑटोमेशन क्या है, जो नए नए इंडस्ट्रीज में जो नए नए मेथड्स आते हैं कंस्ट्रक्शन में, वही ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन मतलब क्या, अभी लोग लाइट वेट कॉन्क्रीट यूज कर रहे हैं, लाइट वेट ब्रिक यूज कर रहे हैं, ग्रीन कॉन्क्रीट की तरफ चल रहे हैं, ग्रीन सीमेंट कर रहे हैं, हाँ, ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, ये सब ऑटोमेशन ही तो है। चलिए, ओके, चलो भाई, हाँ, ओके। तो एक बार कमेंट में बता देना आप जरूर, आपको सेशन कैसे लगा, ठीक है। चैट तो बाद में डिलीट हो भी जाते हैं, चैट तो अभी तक के लिए रहेंगे, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। कल मौसम का भी सेशन होगा, आज कम लोग थे फिर भी मैंने लिया सेशन, क्योंकि देखो आपके एग्जाम है, हमारा काम है आपको सपोर्ट करें, ठीक है। और आप भी यार सपोर्ट कीजिए तो और अच्छा लगता है, क्योंकि इसके बाद मेन सब्जेक्ट आएंगे, मॉस आएगा, FM आएगा, M3 आएगा, जियोलॉजी भी आएगा, ऑब्वियस बात है ना, और मेन टेंशन FM में होती है, तो वो भी मैं ले लूँगा, ठीक है। गेटिंग? तो ये हो गया, ठीक है। तो एक बार आप लोग अपना जो फीडबैक है वो कमेंट में ज़रूर शेयर करें हमें, कि आपको कैसे लगा और कैसे था सेशन, तो फिर उस हिसाब से हम क्या करेंगे, नए सेशन आप लोगों के लिए प्लान करेंगे, ओके। चलिए, जितना मैंने बताया उतना करके जाना, सब कुछ अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट गाइस, डू वेल इन योर एग्जाम।